तो नाउ वी स्टार्ट विथ नवंबर 2020 सीए इंटर अकाउंट 1 आरटीपी बराबर. सो लेट स्टार्ट विथ नवंबर 2020 आरटीपी अकाउंट 1 राइट सीए इंटर. नाउ सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन प्रिपरेशन ओवरव्यू ले रहे हैं आप, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा. तो आपका पूरा हो चुका है आरटीपी ए? पूरा हो गया है, पूरा सॉल्व हो गया है. हाँ, प्रैक्टिकल वाले भी और एएस का भी ओवरव्यू तो ले लिया होगा ना, पढ़ तो लिया ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल एएस बिल्कुल नहीं आ रहे हैं. एएस बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं. चार एएस आते हैं. ठीक है ठीक है, चार आते हैं, आठ में से तो बहुत हो गए, 50% तो हो गया ना. सबसे पहले पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा किया सबसे पहले आपने? मैं तो ऊपर नीचे किया सब. अच्छा, तो पहला क्वेश्चन कौन सा किया आपने? क्योंकि अपन को इसका एक जो आपने क्वेश्चन कर रखे हैं उसके बेस पर अपन एक ओवरव्यू लेते हैं राइट, पता चलेगा. बताओ पहला क्वेश्चन कौन सा किया आपने? इन्वेस्टमेंट अकाउंट. क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 उसमें मेरे को बी पार्ट नहीं आया, ए वाला हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 आरटीपी कैसा था, अच्छा था कि खराब था? मस्त था. इन्वेस्टमेंट का बी पार्ट और ये तो नहीं आया, बाकी सब हो गया. ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ए आ गया. 9 ए क्या है, क्वेश्चन का ओवरव्यू दे दीजिए जरा. नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है. ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है. इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखा है अपन ने? डिबेंचर्स में, तो इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना है. ओके, तो 12% डिबेंचर है, तो अपन को इंटरेस्ट का भी हमेशा याद रखना पड़ेगा बराबर. सो कितना निकला इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस? 20,000. ओके, एक बार चेक करते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ना? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल और इन्वेस्टमेंट भी, लास्ट में इन्वेस्टमेंट का टोटल भी बैलेंस भी आया होगा ना? अब इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर पूछो. हाँ, इंटरेस्ट का भी और प्रॉफिट का भी. इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर 30,000 और सेल का 20,000 कॉस्ट वाले कॉलम. क्वेश्चन नंबर 9 था नहीं? 9. यस, तो इसका सॉल्यूशन है, इसमें प्रॉफिट आया है कॉस्ट वाले कॉलम में 20,000 का. वेरी गुड. 20,000 बीच वाला इंटरेस्ट वाला कॉलम. और प्रॉफिट ऑन सेल कितना है? 20,000. प्रॉफिट ऑन सेल 20,000 है और इंटरेस्ट में 30,000 के हैं. 30,000. हाँ. ओके, और प्रॉफिट पूरा इंटरेस्ट का पीनल, इंटरेस्ट का पीनल में जाने वाला अमाउंट कितना हो गया 30,000 का? इंटरेस्ट में जो पीनल अकाउंट में जाएगा वो 30,000 होगा बराबर. ओके परफेक्ट, वेरी नाइस. सो कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम बराबर तरीके से आपने सॉल्व कर दिया होगा राइट. ओके, मैं देखो आप कैसे बोलते जाते हो. फर्स्ट वाले में हां, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ए पार्ट में डेबिट साइड में परचेसेस के कॉस्ट कॉलम में आएगा 9,90,000 बराबर. और इनका पीएनएल ऑन सेल 20,000. बीच वाले इंटरेस्ट कॉलम में आएगा 30,000 टू पीएनएल इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर. क्रेडिट साइड में व्हाई दिस इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? ये इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर क्यों आया है? ये क्रेडिट साइड में 50,000 है. वेरी गुड वेरी गुड. और अमाउंट है 1,10,000 क्रेडिट साइड में. परफेक्ट, ओके वेरी नाइस. सो इंटरेस्ट का ड्यू डेट अलग है और इंटरेस्ट का हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो अलग है, इसलिए इंटरेस्ट का ओपनिंग में भी बैलेंस आया. और प्लस हमने पहले से कुछ बैलेंस था नहीं, हमने परचेज किया है बेसिकली, तो परचेज किया हुआ हमने यहाँ दिखा दिया राइट. यस, इंटरेस्ट परचेज पे 2 महीने का आएगा और सेल पे 5 महीने का आएगा. बराबर बराबर परफेक्ट, उसका आपने वर्किंग नोट भी बनाया होगा राइट. यस ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का बी. 9 का बी, हां 9 का बी में क्या स्पेशल है? एक्स राइट का चक्कर है. मेरे को ये कुछ समझ नहीं आया, क्वेश्चन बोलना क्या था. ठीक है, एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन, जरा अटपटा क्वेश्चन है तो देखते हैं. मिस्टर एक्स एक्वायर्स 200 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन कम राइट बेसिस फॉर 60,000. अंडरलाइन करो कम राइट बेसिस, माने ये शेयर को हमने कम राइट परचेज किया है. देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राइट को जब बेचते हैं तो नॉर्मली वो पीएनएल अकाउंट में जाता है, लेकिन राइट को अगर कम राइट के साथ परचेज किया था हमने, मतलब शेयर को हमने कम राइट परचेज किया था, मतलब हमने राइट के लिए पैसे दे दिए. और अगर राइट के लिए पैसे दे दिए हैं तो उस केस में जो भी उस राइट को बेचने से, राइट शेयर को बेचने से नहीं,
राइट को बेचने से रियलाइज होगा वो कॉस्ट वाले कॉलम में आएगा, उससे हमारी कॉस्ट उतनी कम हो जाएगी। ओके, एक बार फिर से बोलता हूं, जब हम शेयर परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट की तरह, अगर वहां पे कम राइट शेयर परचेज किया है ऐसा क्लियर मेंशन हो, तो हम राइट शेयर को एक्वायर भी कर सकते हैं और राइट शेयर को सेल भी कर सकते हैं। तो अगर हमने राइट शेयर को एक्वायर कर लिया तो कोई दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि राइट को बेचने की बात आएगी ही नहीं। लेकिन हमने राइट शेयर को एक्वायर नहीं किया बल्कि राइट को सेल कर दिया, राइट को सेल किया, राइट शेयर को नहीं, राइट को सेल किया, याद है? यस, बट वो पीएल में जाता अगर ये वर्ड नहीं होता, कम राइट प्राइस। अगर कम राइट हमने परचेज किया है इसका मतलब हमने सामने वाले के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है, और अगर सामने वाले को एक्स्ट्रा पेमेंट दिया है तो इसका मतलब क्लियर हो रहा है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा जो उसको पेमेंट दिया है उसके हिसाब से वट एवर बी रियलाइज फ्रॉम दैट राइट विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली जब आप ग्रुप टू में आओगे तो आपको समझेगा, जब हम जैसे आपने देखा होगा अपन ग्रुप टू के अंदर जो कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसके अंदर डिटेल आएगा, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल के लिए आपने यहाँ पे सीखा होगा कि अगर हम एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट परचेज करते हैं तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट को अलग रखते हैं, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को हम अलग रखते हैं, बराबर। ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या बोलता है कि हम जैसे इंटरेस्ट के साथ परचेज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कम इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट प्राइस, हाँ, और अगर इंटरेस्ट के बिना परचेज करें तो उसको क्या बोलते हैं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। परफेक्ट। हमको यहां पर भी कुछ राइट का ऐसा ही सिस्टम है। अगर हम राइट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, यहां पे राइट का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, जो राइट है ना, लॉजिक ये है कि जब हम विद इंटरेस्ट परचेज करते हैं तो हम इंटरेस्ट को, हाँ कम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को अलग करते हैं और कॉस्ट अलग करते हैं, बराबर। यहां पर भी हम जब कम इंटरेस्ट पर कम राइट परचेज कर रहे हैं तो कम राइट का इंटीमेशन क्या होता है कि हमने इन्वेस्टमेंट परचेज करते टाइम पर राइट के लिए भी थोड़े पैसे दिए, लेकिन राइट के लिए कितने पैसे दिए वो नहीं पता। जैसे इंटरेस्ट का हमको पता होता है कि कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इतने महीने का लगाना है, तो इंटरेस्ट अलग किया जा सकता है, लेकिन राइट के लिए कितने पैसे दिए वो नहीं पता, तो राइट को अलग कैसे करें? तो फिर राइट को अलग कैसे करें? तो राइट अलग करने का सिस्टम क्या है कि जब हम राइट शेयर को बेचेंगे तो वो शेयर आ जाएंगे अपने आप, वो शेयर बेच दिए तो अपने आप प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा, कुछ नहीं लगाना पड़ेगा दिमाग। लेकिन अगर राइट को बेचा, राइट शेयर को नहीं, राइट को बेचा, तो हमको जो भी पैसा वहां से मिलेगा ना वो हमको मानना है कि वो उस कम राइट के साथ में जो प्राइस थी ना, क्योंकि नॉर्मली हमको एक्स राइट प्राइस लिखना चाहिए कॉस्ट में, बट हम लोगों ने कम राइट प्राइस लिख दी थी, लेकिन राइट का प्राइस कितना था उस टाइम नहीं पता था। लेकिन आज हमने राइट शेयर बेच दिए या हमने राइट को बेच दिया, राइट शेयर नहीं, राइट को बेच दिया, तो उसके वजह से जो भी पैसा आ गया वो पैसा हमारे लिए कहां आ जाएगा, उस कॉस्ट में से कम हो जाएगा। जैसे आप पहले राइट को बेचने से पीएनएल ले जाते थे, अगर राइट को आप बेचते थे तो कहां ले जाते उस पैसे को, पीएनएल में ले जाते थे, लेकिन अगर कम राइट परचेज किया है तो उसको पीएनएल में नहीं ले जाना है, उसको अपनी कॉस्ट में से कम करना है, यानी कि एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जबकि हम राइट को क्रेडिट साइड लिखेंगे तो इनडायरेक्टली लेस हो गया वो, इसलिए एंट्री बोला ना बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे तो टू इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में आ गया।
सेल का तो जब होगा जब अपन उसको बेचेंगे, लेकिन अभी राइट को बेच रहे हैं आप। राइट की जो बेची ना उसको आप वो वाली कॉस्ट जो परचेज किया है उसमें से कम मत करो। आपकी इच्छा वो कॉस्ट परचेज की उनमें से कम कर दिया। जैसे कि सपोज आउट ऑफ राइट हमको मिला था 5,000 शेयर का, उसमें से हमने 3,000 शेयर परचेज कर लिए और 2,000 का राइट हमने सेल कर दिया। यस तो आप जो 3,000 की कॉस्ट है उसमें से 2,000 का जो रियलाइजेशन हुआ है सेल राइट को बेचने से, माइनस कर दो। उसमें से कम मत करो। एक ही बात है हालांकि, लेकिन उसमें से कम मत करो। आप क्या करो, उन राइट को परचेज करने का प्राइस डेबिट साइड दिखाओ, टू बैंक राइट परचेज, और 2,000 का आपने जो सेल कर दिया राइट। वेरी गुड, उसको कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट साइड लिख देना है तो हमारा काम हो जाएगा। ओके क्वेश्चन कंटिन्यू करते, इसमें देखो आगे कुछ आएगा वैसे यस कुछ। यस, आगे पढ़िए जरा क्वेश्चन। मिस्टर एक्स एक्वायर्स 200 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑन कम राइट बेसिस ऑफ ₹60,000। ये सबसेक्वेंटली रिसीव्स एन ऑफर ऑफ राइट टू अक्वायर फ्रेश शेयर्स इन द कंपनी इन द प्रोपोर्शन 1:1 एट द रेट ऑफ 105 ईच। ही डज नॉट सब्सक्राइब बट सेल्स ऑल द राइट्स फॉर ₹15,000। द मार्केट वैल्यू ऑफ दीस शेयर्स बिकमिंग एक्स राइट हैज गॉन डाउन टू ट्रीटमेंट। परफेक्ट। तो उसने एक भी शेयर एक्सचेंज नहीं किया, सब दे दिए 15,000 में वो तो भी। 15,000 हमारी इनडायरेक्टली कॉस्ट कम हो गई, क्योंकि हाँ। तो अभी हमारा जो 60,000 जो था ना, एक्चुअली वो कम इंटरेस्ट प्राइस पे था, कम राइट प्राइस पे। हाँ, अब वो कम राइट प्राइस पे था तो हमने स्टार्टिंग में तो उसको 60,000 दिखा दिया। क्या बोल के, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्ट, सॉरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब अपन ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया होगा तो हमने एंटी क्या पास कर दी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000 का। आपने किया होगा ये एंटी पास तो ठीक है, मैं अभी तो कर किया दीजिए था। आप 60,000 का इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब 15,000 की रिकवरी हुई। ये क्वेश्चन से ऐसे नहीं लग रहा है कि ये जो सेल करता है ना, जो सेल करे अपने राइट्स, वो जो राइट्स फ्रेश अक्वायर किए वो वाले सेल करे कि पहले वाले जो 7,000 के वो। नहीं, ये राइट बेच रहे हैं, राइट शेयर नहीं बेच रहे। देखो क्या लिखा है, ही डज नॉट सब्सक्राइब बट सेल ऑल द राइट। ही सेल द राइट नॉट राइट शेयर, बिकॉज राइट शेयर तो जब बेचेगा जब ही परचेज करेगा राइट शेयर। इसने तो परचेज ही नहीं किया तो बेच कहां से देगा। अच्छा तो कम राइट बराबर वो शेयर्स बोल रहा है, फ्रेश शेयर्स का ऑफर आया था राइट, उन्होंने सारा का सारा उसमें से 15,000 का दे दिया, तो 60,000 माइनस 15। यस, सो अब क्या करना है, 60,000 स्टार्टिंग में पूरा दिखाना है। स्टार्टिंग में फर्स्ट एंट्री आप पास कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक फर्स्ट एंट्री। हाँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री आप पास करोगे जब राइट को बेचोगे, राइट शेयर को नहीं, राइट को बेचोगे। ये तो आपने पहले शेयर परचेज कर लिए, बीइंग शेयर परचेज, शेयर परचेज पहले आपने 60,000 का शेयर परचेज कर दिया। अब हम राइट को बेच रहे हैं, तो राइट को बेचेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, पैसा हाथ में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। अब राइट बेच दिया तो इन्वेस्टमेंट उतने क्रॉस को कम कर देना है, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट बीइंग राइट सोल्ड। और राइट को बेचने से हमको जो पैसा मिला उतना इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम हो गई इनडायरेक्टली 15,000 की, तो हमारे इन्वेस्टमेंट नेट अभी 45,000 के हो गए। किसका वापस क्यों करना है, अपने आप बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा ना। अभी इन्वेस्टमेंट तो पहले ही परचेज कर रखे हैं, दोबारा थोड़ी परचेज करने हैं अपन को, तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा वो तो, जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो। उसने मांगा नहीं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अगर मांगा होता तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर 45,000 का अपने आप ही बच जाएगा, हमको दिमाग लगाने नहीं पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, अभी मार्केट में उसकी वैल्यू 50,000 की हो गई है, तो हम जब वैल्यू करते हैं इन्वेस्टमेंट की, करंट इन्वेस्टमेंट की, तो कॉस्ट और एनआरबी बिचार भी लेस पे करते हैं। तो अभी एनआरबी 50,000 की हो गई है और कॉस्ट हमारी 45 की है, तो 45 पे रखेंगे हम, एनआरबी पे नहीं रखेंगे।
50,000 का जो दिया है वो एनआरवी दिया है, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवरेज लेस, 45,000 तो 45,000 शुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो अपन को बैलेंस 45 लिखना है। अगर सपोज एनआरवी 40 की होती, इफ नेट रिलाइजेबल वैल्यू 40,000 की होती, इफ एनआरबी फोर्टी ले खाली दे और 40, 5,000 का लॉस दिखा दे। हाँ तो हम 40,000 का ही दिखाते बैलेंस कैरी डाउन, और 5,000 का हम लॉस दिखा देते ये बोल के कि 5,000 हमारा एनआरबी कम हो गया है, इसलिए भी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। ओके अंडरस्टूड। मेनली क्या है इसके अंदर, उसने मांगा क्या है कि व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन दिस केस। तो आप पहले दो एनएनटी पास कर दो, ये दो एनएनटी जो एनटी बताया मैंने अभी, और एक नोट लगा दो। नोट क्या लगाओ कि भैया यहां पर ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, सॉरी जो इन्वेस्टमेंट जिसने किया है वो करंट इन्वेस्टमेंट हमने ज्यूम किया है, और उसका कॉस्ट अभी 45 का रह गया है, इसके लिए एनआरबी 50 की है, तो हम कॉस्ट पे ही रख सकते हैं 45 पे, देर इज नो प्रॉब्लम। तो आप एज लिख यस लीजिए, मैं बोलता हूँ ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए आप, एस एज पर AS 13 करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरबी विच एवरेज लेस। Therefore, cost is 45,000 and NRV is 50,000. So we should value it. At 45,000. 45,000, that is cost. ओके अंडरस्टूड। तो अभी ये कम राइट का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म हो गया, राइट? यस। लेकिन क्लियर बोला है तो, कम राइट क्लियर लिखा है तो, जैसे मैंने यहां पर आपको अंडरलाइन करके बोला, हाँ अगर यस क्लियर ना लिखा हो तो नहीं लेने का है। आगे ओके क्वेश्चन 10 बताइए, इसमें क्या क्वेश्चन में स्पेशल था? इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है। वेरी गुड। सो पूछा क्या उसने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम दैट विल बी एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, कंसिडर दैट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ फायर इट्स सेम एज दैट देन प्रीवियस अकॉर्डिंग ईयर। ओके सो लॉस ऑफ अगर स्टॉक का है, ओके ओके क्लेम अमाउंट कितना बोला, एक बार फिर से बोलो। 2 लाख 19,000 409 और क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था? हाँ ट्रेडिंग वाला जो लॉस हो गया क्लोजिंग स्टॉक का, नेट लॉस आपका, ये लॉस ऑफ क्लेम है, लॉस ऑफ प्रॉफिट है कि लॉस ऑफ स्टॉक है? लॉस ऑफ स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक बताओ फिर नेट लॉस बताओ। 4,41,300 एंड नेट लॉस 3,87,300। ओके सो नेट लॉस 3,87,300 हो गया, क्लेम अमाउंट 2,19,409 हो गया। लेट्स सी द आंसर, एक बार आंसर देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आया है इनका 4,41,300। यस वेरी नाइस।
फिर नेट लॉस आया है 3,87,300 और फिर क्लेम अमाउंट आया है 2,19,409 बराबर। वेरी लॉस ऑफ क्लेम कितना आया? परफेक्ट, तो लॉस ऑफ क्लेम भी 219,419। परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हायर परचेज। ओके, इसमें क्या स्पेशल था? अभी ये बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन के अंदर आपने स्टेप 1 to 2 अप्लाई किया कि नहीं? हमारा जो स्टेप 1 to 2 है वो स्टेप 1 लोन रिपेमेंट शेड्यूल। अच्छा, तो डायरेक्ट आंसर निकल गया, मतलब स्टेप 1 एंड 2 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली उसको कैलकुलेशन करके दिखा दिया। क्या मांगा उसने, जरा रीड करूं। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट एग्रीड वैल्यू टू कार टेकन बैक बाय द हायर वेंडर एंड बुक वैल्यू कार लेफ्ट विद द हायर परचेजर। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन हायर परचेज ऑन टू कार टेकन बैक बाय द हायर वेंडर। ओके, तो प्रॉफिट और लॉस भी बताना है उसके ऊपर जो उसने हायर वेंडर ने बैक ले लिया। बट रिपोजिशन, रिपोजिशन कब किया है? रिपोजिशन के हिसाब से ऐसा तो नहीं कि आज लिया कल नहीं रिपोजिशन कर लिया। अपन को स्टार्टिंग में तो 1-2 साल अपन ने चलाया होगा ना, हम गाड़ी को यूज किया होगा ना। बट उसके लिए आपको लोन रिपेमेंट शेड्यूल बनाना चाहिए ना। अपने जो बनाना सीखा है कि स्टेप 1 जहां पर हम लोन रिपेमेंट शेड्यूल बनाते हैं, जिसके अंदर आपने कॉलम बताए थे, याद है आपको कौन कौन से कॉलम बनते हैं? तो इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, मतलब 2 साल तक इंस्टॉलमेंट ही नहीं दिया। एक बार रीड करो क्वेश्चन जरा। ओके, दे हैव नॉट गिवन द इंस्टॉलमेंट एट ऑल, इंस्टॉलमेंट ही नहीं दिया उन्होंने। राइट 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 राइट, आगे बढ़ो। ओके, परफेक्ट, 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 वेरी नाइस। सो ये बेसिकली इनडायरेक्टली आपका वर्किंग नोट है। यस, वर्किंग नोट जैसा ही है, क्योंकि उसने इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है वो भी नहीं बताया है, तो अपन वो स्टेप 1 कैसे बना सकते हैं। वेरी नाइस, इसलिए स्टेप 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज हम स्टेप 1 के अंदर इंस्टॉलमेंट का कितना पेमेंट करते करते आते हैं वो बैलेंस निकाल देते, बट यहाँ पर तो खाली डेडक्शन के बेस पर कैलकुलेशन करनी है और वर्किंग नोट के जैसे आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। इनका आंसर आया है सबसे पहले जो टेकन ओवर किया है बुक वैल्यू ऑफ टू कार 2,56,000, नहीं 196, 196 का वैल्यू लिया। परफेक्ट, एंड हमारे यहाँ पे बुक में वैल्यू था 256 का, 256 का बुक्स में वैल्यू जो था पर कार्बन 28 है, बट दोनों कार का तो 256 हुआ ना। हाँ बराबर, तो ऐसे लॉस हो गया 60,000 का। लॉस हुआ 60,000 का, यस सर। परफेक्ट,
और सामने वाले ने कितने का बेचा है वो बताया है कि उसने जो हायर वेंडर ने लेने के बाद में उसमें खर्चा किया, फिर उसने सेल कितने का किया? हाँ, उसने मांगा नहीं है, लेकिन अगर वेंडर का भी नफा नुकसान निकालना होता तो निकाल सकते थे बराबर, लेकिन वेंडर का नफा नुकसान उसने मांगा नहीं है हमसे। ओके, नंबर 12 डिपार्टमेंटल अकाउंट। ओके, ये क्वेश्चन के बारे में ओवरव्यू बताइए, कैसा है डिपार्टमेंटल अकाउंट? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना है बस। ओके, और यहाँ पर वो वाला ट्रांजेक्शन है कि डिपार्टमेंट एक्स बाय को बेचता है, एक्स जेट को ही बेचता है, फिर बाय एक्स को ही बेचता है, बाय जेट को ही बेचता है, ऐसा है राइट? तो खाली एक ही बार प्रॉफिट निकालना है, डायरेक्ट वाला, घुमा फिरा के वाला प्रॉफिट नहीं निकालना है राइट? ओके, एक्स का 3000, 33। ओके, वाई का 24,800। ओके, जेड का 34,400, टोटल 92,200। ओके, लेट्स चेक। कोई बड़ी बात नहीं है, आई थिंक इट्स वेरी इजी। ओके, अकाउंटिंग फ्रॉम फॉरेन ब्रांच, अकाउंटिंग ऑफ ब्रांचेज, क्वेश्चन 13। बताइए इसमें क्या स्पेशल है? बस, और खाली कन्वर्जन मांगा है कि कुछ अकाउंटिंग मांगा है? ओनली रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द ब्रांच ट्रायल बैलेंस गिवन अबव इन रुपीज यूजिंग द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट। बता दीजिए कितना डिफरेंस आया फॉरेन एक्सचेंज? 208 का लॉस आया है। इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है? बोला है क्वेश्चन में कि आपने अजम्पशन बना है? बोला है। ओके, सो इंटीग्रेटेड बोला है, नहीं बोले तो भी इंटीग्रेटेड ही मानते, नहीं बोलते तो भी इंटीग्रेटेड ही मानते। अरे बोलते नॉन इंटीग्रेटेड तो भी यही आंसर आता है, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ेगा, और करंट डेप्रिसिएशन में फर्क पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। नहीं, बट फिक्स असेट्स को भी अपन को फिर क्लोजिंग पे लेना पड़ेगा ना, अगर नॉन इंटीग्रेटेड होगा तो। फिक्स असेट्स तो हिस्टोरिकल में आता है ना, डेप्रिसिएशन आता है। नॉन इंटीग्रल है तो फिक्स असेट्स को क्लोजिंग पे लेना पड़ता है। Yes, को क्लोजिंग पे लेना पड़ता है अगर नॉन इंटीग्रेटेड है तो। और ये जो 208 का डिफरेंस आएगा उसको भी रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं अपन लोग, उसको पीएल में नहीं डालते। एंड जो डिफरेंस आएगा उसको भी हमको ट्रांसफर करना है रिजर्व में अगर नॉन इंटीग्रल है तो। ओके, सो 208 का डिफरेंस एक बार आंसर चेक कर ले जरा। लॉस 208। यस, 208, एक्सीलेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14, सिंगल एंट्री, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री। यस, टुडे एक पेज का ही है, नेट प्रॉफिट आया 24,750। नेट प्रॉफिट कितना है? 24,750। ओके, एंड बैलेंस शीट का टोटल? अच्छा, ट्रेडिंग पे नहीं मांगा है, बैलेंस शीट मांगी ही नहीं है। ओके, सो लेट्स सी। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 86,250। लेट्स चेक ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट 86,250, नेट प्रॉफिट 24,750, एक्सलेंट। प्लस वर्किंग नोट वगैरह बनाया होगा, जो भी कैलकुलेशन करना होगा उसका। हाँ। बाकी अपने जो स्टेप हैं वो सेम सिस्टम फॉलो किए होंगे। यस। ओके, नेक्स्ट। कैश फ्लो, एक का टोटल आया। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन नंबर है तो बोलो? 3। क्वेश्चन 3? 3। अच्छा, AS3 का तो क्वेश्चन भी 3 आ गया, मतलब कैश फ्लो AS3 होता है ना? क्वेश्चन भी 3 आ गया। यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है, अच्छा है कि कुछ स्पेशल है? डायरेक्ट
डायरेक्ट मेथड है, बहुत अच्छी बात है, तो एकदम डायरेक्टली हो जाएगा। कहाँ बोला है डायरेक्ट मेथड है ऐसा? इसमें तीन निकालना था, ऑपरेटिंग, फिनेंशियल और इन्वेस्टिंग और फिर फिनेंशियल। बट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट लाइट लिमिटेड ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन द अकॉर्डेंस विद एएसटी रिवाइज फ्रॉम द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट। ओके, तो दे हैड गिवन द कैश अकाउंट डायरेक्टली, तो कैश अकाउंट दिया है तो ऑब्वियस डायरेक्ट मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और डेटा तो है ही नहीं। तो तीन एक्टिविटी होती है, लेकिन तीन एक्टिविटी बाद में और कौन सी एक्टिविटी आपने बना दी? हाँ, तो तीन ही बनाई ऑपरेटिंग, ना? इन्वेस्ट, यस, सो डायरेक्टली तीन एक्टिविटी में आपने कन्वर्ट करके इसको आंसर कर दिया, राइट? तो कितना आंसर, ओपनिंग ऐड किया होगा आपने, ओपनिंग बैलेंस ऐड किया होगा लास्ट में 313, 315, और क्लोजिंग बैलेंस, फिनेंशियल नेट इंक्रीज आया 1143। सॉरी, ओके, नेट इंक्रीज डिक्रीज आया 1143, परफेक्ट। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग का टोटल कितना है वो बताइए जरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 2745 ऑपरेटिंग का, और इन्वेस्टिंग का 882 नेगेटिव, ओके, एंड फाइनेंशियल का, ओके, सो 2745 पॉजिटिव ऑपरेटिंग का, 882 इन्वेस्टिंग का नेगेटिव, एंड फाइनेंशियल का 720 नेगेटिव। लेट्स चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर कैश फ्लो, ऑपरेटिंग 2745, इन्वेस्टिंग 882 एंड फाइनेंशियल 720 नेगेटिव, नेट इंक्रीमेंटल 1142 1143, ओपनिंग बैलेंस 315 ऐड किया तो 1458 इज द क्लोजिंग आंसर। ओके, नेक्स्ट, इसमें आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, याद रखना, क्योंकि जब पूरा राइट है तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं, और वर्किंग नोट अगर रिक्वायरमेंट है तो बनाना है, उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मार्क्स वर्किंग नोट के होते हैं, वो वर्किंग नोट अगर नहीं बनाए तो पूरे में से पूरे नहीं मिलेंगे, उतने कट हो जाएंगे, इसलिए वर्किंग नोट बनाना मैंडेटरी है अगर कहीं पे भी कुछ कैलकुलेशन है तो। ओके, यस, इसका तो डायरेक्टली दिया है क्योंकि कुछ कैलकुलेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, कौन सा किया इसके बाद, कौन सा किया आपने? रिडेम्पशन और प्रेफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, थ्री के बाद 7 पे आ जाते हैं, मतलब खूब घुमा रहे हो आप हमारे लिए, चलो घूमते हैं। रिडेम्पशन और प्रेफरेंशियल, ओके, जनरल एंट्री में पहले मेरे को बताओ कि इसमें रिडेम्पशन और प्रेफरेंशियल के लिए क्या कंडीशन होती है? ओके, मतलब रिडीम करना है तो या तो फ्रेश इशू करो या फिर उतना ही शेयर बनाओ, परफेक्ट, बराबर, ओके, और कोई और बाकी का इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना ही कर सकते हैं, अपना मर्जी है उतना कर दो, पूरा रिडेम्पशन कर दो, कोई तकलीफ नहीं है, राइट? जैसे बायबैक में कंडीशन होती है ना, मैक्सिमम 25% ऑफ द शेयर कैपिटल कर सकते हैं, मैक्सिमम 25% ऑफ द टोटल नेटवर्थ होना चाहिए, वो सब कंडीशन यहाँ नहीं होती है, क्योंकि वो बायबैक ऑफ शेयर हमारे ग्रुप टू में आएगा, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर की डायरेक्टली खाली ये देखना है कि जितना रिडेम्पशन हो रहा है उतना या तो फ्रेश इशू कर दो या उतना सीआरआर बना दो, फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन के बराबर। ओके, आप मेरे को बताओ सीआरआर कितने का बनाया, मेरे को एंट्री नहीं जाननी है, सीआरआर कितने का बनाया बताइए, सीआरआर कितने का बनाया? 2,25,000। ओके, और अपना फ्रेश इशू भी है इसमें, फ्रेश इशू भी है, फ्रेश इशू कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो सी, ओके, जनरली में से 1.5 लाख यूज किया फिर 3 लाख में से यूज किया, बिल्कुल बिल्कुल, फ्री रिजर्व पहले यूज करना होता है, और फ्री रिजर्व का नाम नॉर्मली अगर ना पता हो तो जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व होता है, फिर पीएनएल फ्री रिजर्व होता है, और कैपिटल रिजर्व को लास्ट में यूज करना चाहिए अगर वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना लिखा हो तो।
बराबर। तो आपने यहां पर कैपिटल रिजर्व को यूज नहीं किया, राइट? यहां पे कुछ मैंने बोला कहा है नहीं। कैपिटल रिजर्व बना कहां से है, ऐसा बताया उसने कहीं? कैपिटल रिजर्व कहां से आया है इनके पास? वेरी गुड। तो अपने पास कुछ कैपिटल रिजर्व पे पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कैपिटल रिजर्व में हो सकता है कुछ रिस्ट्रिक्शन हो, बट रिस्ट्रिक्शन होंगी तो बताएगा क्वेश्चन में, हमको अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है। ओके, सो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का आपने मेनली जो रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर को ड्यू बनाना, फिर सीआरआर क्रिएट करना, फिर पेड कर देना, और प्रीमियम पे अगर रिडेम्पशन किया है तो प्रीमियम को राइट ऑफ करना। परफेक्ट, लेट्स चेक द आंसर। सेवन क्वेश्चन का, सेवन क्वेश्चन ये रहा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को फाइनली रिडीम कर दिया और बाद में सीआरआर बनाए हमने, सीआरआर का बनाया एरा कैपिटल इनकम 225 का सीआरआर बनाया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 247,500 पे किया है। यस यस यस। और प्रीमियम कितना भरा है, प्रीमियम रिडेम्पशन 22,500, 22,500। परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइव, यस, अकाउंटिंग फ्रॉम बोनस इशू। जनरल एंट्री है, ओके, फाइनल कॉल करना है। वे बोनस को बहुत सारी आइटम्स दिए तो अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंस सीक्वेंस पे करना है। तो इसमें फर्स्ट एंट्री हम लोग फाइनल कॉल की कर देंगे, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 8,10,000 की। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। वेरी नाइस वेरी नाइस। एक बार जरा लास्ट पैरा को रीड करो। क्वेश्चन नंबर फाइव का लास्ट पैरा। नहीं नहीं लास्ट नहीं, मतलब जहां थे वो सेकंड लास्ट बेसिकली। ऑन 1 अप्रैल 2020 माने पीएनएल को मिनिमम एक्सटेंस तक यूज करना है, उससे पहले बाकी की चीजों को यूज करना, क्योंकि सीआरआर सबसे पहले यूज करना चाहिए बोनस शेयर देने के लिए, राइट? ओके, देन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्री एंड बैलेंस शीट ऑफ एक्सटेंट। ओके परफेक्ट, सो फाइनली आपका कितना आया बोनस शेयर, कितना दिया है मैंने बोनस शेयर की अमाउंट? 10,12,500। 10,12,500 बोनस की अमाउंट है, राइट? 10,12,500 बोनस की अमाउंट हो गई, ठीक है। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में असेट्स में बैंक में 8,10,000, शेयर कैपिटल 54,22,500। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 5। यस, बैलेंस शीट के आइटम बताइए। शेयर कैपिटल 54,22,500, रिजर्व्स एंड सरप्लस 7,20,000, बैंक 8,10,000। एक बार फिर से बताओ। परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस। नेक्स्ट कौन सा? पीपीआई पेस्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, राइट इशू। ओके, वैसे राइट इशू उधर भी आ चुका है जो हमने वहां पे बात की थी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, यहाँ पे राइट इशू अलग से दिया है, ठीक है। बताइए, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्स राइट वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ राइट इशू, बताइए। एक्स राइट वैल्यू 187.5, वैल्यू ऑफ अ राइट शेयर 12.5।
अब जरा मेरे को इसका कॉन्सेप्ट बताइए, क्या होता है राइट इश्यू का कॉन्सेप्ट? इसमें तो फॉर्मूला डालो, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे फॉर्मूला लेना होता है, जरा इलेबरेट करो। माने एवरेज प्राइस करते हैं, ये जो इतना बड़ा फॉर्मूला है वो इंडायरेक्टली एवरेज प्राइस का है, राइट? एवरेज बिफोर राइट इशू इनटू बिफोर राइट इशू प्राइस प्लस राइट शेयर इनटू राइट इशू प्राइस, बराबर अपॉन एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट शेयर आ गया हमारा एवरेज प्राइस 187.5। परफेक्ट। नाउ हाउ यू गेट दिस 12.5, ये एक्स राइट प्राइस 187.5 हो गया, हाउ यू गेट दिस 12.5? वो भी कर सकते हैं, या फिर बिफोर मींस एक्स राइट प्राइस माइनस कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, वो भी करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, 200 माइनस 187.5। लेकिन आपने जो किया है वो ज्यादा अच्छा रहता है, उसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी राइट शेयर होते हैं उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाता है। सो ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी दोनों ही आंसर अलाउड है 12.5। लेट्स सी द आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 12.5 एंड 187.5, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पीपीआई, वेरी गुड, प्रॉफिट प्राइस इनकॉर्पोरेशन, बताइए स्पेशल है कुछ? ओके, पीपीआई का थोड़ा लॉजिक बताइए, कॉन्सेप्ट बताइए। एक्चुअली ट्रेड एक्सपेंस लिखा है तो दोनों ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी ऐसे केस में आप अजम्पशन लगाया करो, नोट लगाया करो, आपने जिस पे भी माना है, कहाँ लिखा हुआ है? मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंस लिखा है ना, कुछ बोला है इसके बारे में इंफॉर्मेशन? तो आपने किस पे बांटा है? मैंने टाइम रेशियो पे बांटा है। एक्चुअली में टाइम रेशियो पे भी बांटा जा सकता है, क्योंकि टाइम रेशियो ही नॉर्मली कृष्णा बोले तो टाइम रेशियो बांटना चाहिए, बट ट्रेड एक्सपेंस बोल के वो बोलना चाहता है, तो ये ट्रेड एक्सपेंस अगर सेल बेस पर हो, जैसे सेलिंग एक्सपेंस अगर है तो हम सेल बेस पे बांट सकते हैं, बट नॉर्मल ट्रेड एक्सपेंस है तो टाइम रेशियो में ही बांटना चाहिए, ठीक है? अब जरा मेरे को पीपीआई का ओवरव्यू बताइए, इसके बाद हम चालू करेंगे, आगे आंसर वगैरह आपके कितने आए? वेरी नाइस। तो बोलने का मतलब जो अपना पर्पज है वो है कि इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ खर्चे, इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ इनकम हो गई हमारी, उसको हमको प्री इनकम मानना है, और इनकॉर्पोरेशन बाद का हमारा पोस्ट इनकम मानना है। प्री इनकम जो है वो कैपिटल नेचर की होगी, क्योंकि हम इनकॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन दिया, लेकिन एप्लीकेशन आने का उसका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट आने में टाइम लग गया, तो उस पीरियड हमारा बिजनेस तो चलता रहा, उस वजह से जो मुनाफा हो गया उसको कैपिटल नेचर का मुनाफा माना जाएगा, और उसके बाद जो मुनाफा होगा उसको रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट माना जाएगा, राइट? नाउ टेल मी हाउ मच प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट? टोटल मिलके 131,400 होता है कि कुछ 112,200। अच्छा, एंड टोटल 131,400 होता है। सब्जेक्ट टू कभी कुछ मिस्टेक भी हो सकती है गिवन प्रॉफिट में, अगर गिवन प्रॉफिट में मिस्टेक है तो मिस्टेक में प्रॉफिट अलग हो सकता है, अदरवाइज हमारा प्रॉफिट दोनों का सेम होना चाहिए, टैली होना चाहिए प्रॉफिट, राइट?
लेट्स सी द आंसर. क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? फोर. क्वेश्चन फोर एरा. सो इन्होंने बांटा है प्री प्रॉफिट 90,200 एंड 1,12,500. जो ट्रेड एक्सपेंस को आपने टाइम रेशियो बांटा है, इन्होंने भी टाइम रेशियो पे ही बांटा है. बट ऐसा हो सकता है कभी कभी कोई आपका जंक्शन अलग हो, इनका जंक्शन अलग हो, जहां पे भी आपको लगे कुछ नहीं मेंशन है तो यू कैन मेंशन द नोट कि हमने इसको इस रेशियो में बांटा है. ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी जब हो जाती है तो उसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको जैसा इंस्टीट्यूट ने सोचा है वैसे ही आपको करना है. बट फिर भी कुछ आइटम के लिए याद रख लो, जैसे ट्रेड एक्सपेंस है कुछ ना बोले सेलिंग एक्सपेंस जब तक, उसको ट्रेड एक्सपेंस को टाइम रेशियो में ही बांटो. अगर सेलिंग एक्सपेंस है तो उसको तुम सेल्स रेशियो में बांटो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ए एट एट नंबर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर. वेरी गुड. क्या है स्पेशल है कुछ की हलवा है? हलवा है, कन्वर्जन इंटरेस्ट है. हाँ, कन्वर्जन डिवेंचर को शेयर में कितना ट्रांस कन्वर्ट करोगे. ओके, तो उसने मांगा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर इशूड एंड कैश पेड टू रिडेम्पशन 20,000 डिबेंचर्स, रुपीज 20,000 डिबेंचर्स होल्डर. तो कर दिया आपने. ये कैसा है, इमीडिएटली कन्वर्जन वाला है या आफ्टर होल्ड समथिंग और देन स्क्वायर में, कौन सा है मतलब ये सिस्टम कैसा है? हमारे टाइप्स ऑफ रिडेम्पशन सीखे थे ना, इनडायरेक्टली हमने कैश कितना दिया और शेयर कितना दिया एक बार बता दो जरा. 210 कैश, 210 दिया, शेयर 210 दिए. ओके, 16,800 कैश और 16,800 हमने कैश दिया. ओके, लेट्स सी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, कैश दिया है हमने, नहीं पहले, हाँ कैश दिया है 16,800. कैश 16,800 बराबर है और शेयर दिए हैं 210 शेयर. इक्विटी शेयर गिवन टू द कन्वर्जन 210 शेयर. परफेक्ट, यस, वेरी नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू. एस के आगे दिया आप क्वेश्चन टू. अच्छा, मैनेजरियल रेमुनरेशन. ओके, बताइए. इसे हम लोग कैपिटल निकाले हैं, अभी इन्होंने बोला मैनेजरियल रेमुनरेशन, ये सब में लॉस है. तो लॉस में हमारी कंडीशंस होती थी कि आपका 5 करोड़ तक होगा, 8 लाख तक का आपको देंगे मैनेजरियल रेमुनरेशन. 5 करोड़ 10 करोड़ होगा तो 80 लाख अबव 5 करोड़ टू 100 करोड़ 80 लाख 80 वेरी गुड. फिर
ओके, तो आप बोल रहे हो मैनेजर रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ लॉस, राइट? तो अगर हमारा लॉस इनकर्ड हो रहा है तो भी मैनेजर रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, वेरी नाइस। तो बताइए फाइनली कितना कैपिटल आया, कितना आपका मैनेजर रेम्यूनरेशन आपने दिया? 405। सॉरी, आपने क्या पूछा? हाउ मच मैनेजर रेम्यूनरेशन यू पेड फाइनली? 60 लाख। टू ऑल मैनेजर? ओके, तो यहाँ पर एक ही मैनेजर है होल टाइम डायरेक्टर और कोई नहीं है, ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर, राइट? तो उसको 60 लाख रुपए दिए अपन ने, देखते हैं उसको देना 60 लाख अलाउ है क्या, क्वेश्चन नंबर टू, राइट? इफेक्टिव कैपिटल आया 405 लाख का, राइट? और इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर रेम्यूनरेशन दिया है उसको 10%। बहुत बड़ा था ना इसका, अच्छा नॉर्मली है, मेरे क्वेश्चन बनना चला गया एक्चुअली। इफेक्टिव कैपिटल एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मंथली रेम्यूनरेशन, सो इफेक्टिव कैपिटल 405 आया है एंड इफेक्टिव जो इफेक्टिव कैपिटल इज लेस देन 5 करोड़, देयरफॉर रेम्यूनरेशन 60 लाख पर एनम, परफेक्ट, ओके। सो 60 लाख पर एनम फाइनली कैपिटल एम्प्लॉय रेम्यूनरेशन वी कैन पे, और ये आया है 5 करोड़ का कैपिटल, हमारा 5 करोड़ से इफेक्टिव कैपिटल कम है इसलिए 60 लाख तक का दे सकते हैं, बराबर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वन, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, बताइए। बैलेंस शीट टैली हो गई। बैलेंस शीट टैली हो गई क्योंकि इंफॉर्मेशन सब बैलेंस शीट बना के उसने दी है प्रॉपर, कि बैलेंस शीट तो उसने बना के ही दिए खुद ने? वर्टिकल में बनाना है, बट बैलेंस शीट टैली तो होने वाली है, लेकिन बैलेंस शीट में जो एडजस्टमेंट है उनके साथ एडजस्ट करके टैली करनी है। हाँ, तो बैलेंस शीट हाँ, लोन हम लोगों ने अगर रिलेटेड पार्टी से दिया है तो उसको अलग से दिखाएंगे ना करंट लायबिलिटी में? हाँ, अलग से दिखा सकते हैं, बट उसका एक फुटनोट में मेंशन करना जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने ऐसे इतना अमाउंट रिलेटेड पार्टी को दे रखा है, ऐसा एक नोट टू अकाउंट बनाना जरूरी है, डिस्क्लोजर देना जरूरी है। डिस्क्लोजर फुटनोट जैसे अपन लिखते हैं ना नीचे कि अपन ने ऐसा कोई पर्टिकुलर काम किया है तो इतना हमने किसी पर्टिकुलर बंदे को लोन दिया है, ऐसा हमको एक फुटनोट में मेंशन करना है। लोन ऑफ 150 गिवन टू रिलेटेड पार्टी। यस, अगर रिलेटेड पार्टी का कुछ एक्सप्लेनेशन है तो वो भी लिख सकते हैं, अगर रिलेटेड पार्टी को उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हो कि हमारा रिलेशन में क्या मतलब किस टाइप से रिलेटेड पार्टी है वो, हालांकि रिलेटेड पार्टी है वही अपने आप में रिलेटेड पार्टी हो गया क्योंकि जो अपना AS-18 है वो भी इसी के बारे में बोलता है, ठीक है? Yes. कितने पे बैलेंस शीट टैली हो जाएगा, अमाउंट बताओ मेरे को, बैलेंस शीट टोटल टैली 1,98,94,350। ओके, अब इसके अंदर कोई स्पेशल एडजस्टमेंट था कि सब ऐसे ही हलवा थे? सब हलवा थे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके खाली एडजस्टमेंट रीड कर लीजिए जरा, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन वहां से। तो
मोर देन सिक्स मंथ है तो उसका क्या करेंगे, ट्रेड इशुएबल फॉर 5,70,000 आर ड्यू फॉर मोर देन सिक्स मंथ, उसका क्या किया आपने? कुड नॉट आई. यस, वेरी गुड. आगे द अमाउंट ऑफ बैलेंस विद बैंक इंक्लूड्स 20,000 टू 27,000 विद अ बैंक नॉट शेड्यूल्ड बैंक कुड नॉट देंगे इसका भी एंड डिपॉजिट्स 1000 एंड ऑफ 9 मंथ ये उसमें से माइनस करो और आप अदर एसेट्स निकालो. बराबर बात है, इसको आप यहां से माइनस करके और अदर फिक्स्ड एसेट्स में दिखा दोगे, राइट? करंट एसेट्स. हां, अदर करंट एसेट्स, सॉरी. अनसिक्योर्ड लोन 3 लाख, अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 3 लाख फ्रॉम अ बैंक, तो माइनस करके सिक्योर्ड में डाल देंगे. बराबर, बैंक कभी अनसिक्योर्ड लोन नहीं देता है. अनसिक्योर्ड लोन जो है वो तो फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज है तो अनसिक्योर्ड ही रखेंगे ना, उसको सिक्योर्ड क्यों बना रहे हो आप? सिक्योर्ड का बनाया मैंने, अलग से बनाया लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी. हाँ, अलग दिखा दो अनसिक्योर्ड के अंदर ही लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी और उसका एक फुटनोट भी दे दो, रिलेटेड पार्टी से लोन ले रखा है 150 का. हाँ. और एक्चुअली लोन लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोन दिया हो तो ज्यादा दिक्कत होती है. यदि दिया हो तो हमारा पैसा किसी और को दे रखा है, हमने रिस्क में है, इसलिए उसके लिए ज्यादा चिंता करनी चाहिए. लेकिन पैसा लिया है तो कोई तकलीफ नहीं है. फिर क्या बिंदास? ओके, वेरी गुड. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर. बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2020 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013. ओके, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनानी है कंपनी को, 13 के अकॉर्डिंग. और शेड्यूल 3 में भी हम डिविडेंड 1 के अकॉर्डिंग बनाते हैं, डिविडेंड 2 के अकॉर्डिंग इंडियंस में बनती है, जो आपको CFL में मिलेगी. बराबर, ओके, वेरी नाइस. नाउ नेक्स्ट, ऑल डन, सारा क्वेश्चन हो गए. अकाउंटिंग इसमें तो आया ही नहीं. अच्छा, तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 हो गया, एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 हो गया. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कहाँ दिए हैं? लास्ट में 15-16. ओके, क्वेश्चन 5 हो गया, क्वेश्चन 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, कोई डाउट नहीं ना किसी में भी? 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 भी हो गया और फ्रेमवर्क. यस, नाउ 15-16, राइट? 15-16 एंड 17-18-19-20. परफेक्ट. तो लास्ट पास सब बताइए, पहले 15 के बारे में बताइए, कौन सा किया आपने वो बताइए. ये फ्रेमवर्क मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से कौन सा आपने किया है? क्या नहीं, लेकिन मैं आंसर बोल सकती हूं डायरेक्ट. अच्छा, कोई सा भी नहीं किया है कि कोई सा किया है? पढ़ लिए हैं सारे? नहीं, क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने तो इसमें फर्स्ट 15 क्वेश्चन देखो, समझ नहीं आया क्या है. ठीक है, 15 क्वेश्चन को एक साइड में रखते हैं अभी. क्वेश्चन 15 के अलावा जो है वो 15 नहीं आया, 15 भी नहीं आया, 16 क्वेश्चन रीड कर दे, आंसर मेरे को क्लिक हो गया. ठीक है, रीड करो जरा. ठीक, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम रिकॉग्नाइज बाय AS1. तो हमारे 3 असम्पशन है, एक फर्स्ट असम्पशन गोल कंसर्न, सेकंड असम्पशन कंसिस्टेंसी, थर्ड असम्पशन अक्रूअल. एक्सीलेंट. एंड ब्रीफ डिस्कशन भी करना है तो उसका थोड़ा एक्सप्रेशन लिखना है कि गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, कि इन फ्यूचर हमारा इंटेंशन डिसकंटिन्यू करने का नहीं है. अक्रूअल मतलब हम कैश सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, कंसिस्टेंसी मतलब हमारी जो पॉलिसी है वो सेम. ओके, एलैबोरेशन आप कर सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 16 का जरा आंसर एक बार रीड करते हैं, आंसर जरा रीड करते हैं क्या दिया है. क्वेश्चन 16, हाँ, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एंड अक्रूअल बेसिस, परफेक्ट. उनका एलेबरेशन थोड़ा सा कर दोगे तो काम खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी. चलो ठीक है, 18 पे आते हैं. द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, नहीं, हाँ, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज.
एटीएम बराबर क्लासिफाई ओके मोनेटरी है कि नॉन मोनेटरी ओके करो रीड करो शेयर कैपिटल नॉन मोनेटरी वेरी गुड क्यों ट्रेड रिसीवेबल मोनेटरी ओके इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर मोनेटरी हाँ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स नॉन मोनेटरी व्हाई नॉन मोनेटरी व्हाई मोनेटरी अच्छा मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का डेफिनेशन क्या है एएस 11 के अकॉर्डिंग वो बताइए जरा जनरल रूल क्या होता है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी का डेफिनेशन ये है कि अगर उस पर्टिकुलर करेंसी के लिए फर्दर फ्यूचर करेंसी की जरूरत पड़ने वाली है आपको जो आपके पास अकाउंट डिटेल दिया हुआ है उसके अंदर उसकी फर्दर अगर फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी तो उसको मॉनेटरी आइटम बोला जाएगा और अगर बाद में हमको हाँ फर्दर फॉरेन करेंसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है मतलब हमको पता है कि बाद में फॉरेन करेंसी हमको नहीं चाहिए तो अगर ऐसा कोई आइटम होगा तो उसको नॉन मॉनेटरी आइटम बोला जाएगा मतलब हमको उसको फर्दर फॉरेन करेंसी के बारे में सोचना है कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है ऐसी कोई बात आएगी तो उसको फॉरेन करेंसी में मॉनेटरी आइटम बोला जाएगा अदरवाइज उसको नॉन मॉनेटरी आइटम बोला जाएगा ठीक है तो फिर इन्वेस्टमेंट तो चाहिए इक्विटी शेयर्स अब इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर कहां किए हैं क्लासिफाइड द फॉलोइंग आइटम मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम तो कहां की इन्वेस्टमेंट वो तो बताया ही नहीं है उसने तो फॉरेन करेंसी के हिसाब से उनको बाहर इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है तो हम ऐसा मानेंगे बाहर किए हैं ठीक है एज हम लेट अज्यूमिंग इट इज आउटसाइड इंडिया द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर इज आउटसाइड इंडिया यस कुछ ना कुछ बोल लीजिए बताएंगे भी देखो इसके अंदर कुछ और भी है क्या काम खत्म हो गया इतना ही है बी पार्ट है तीन पार्ट है अच्छा एक बार जरा इनका आंसर में देखो उन्होंने क्या लिखा है शेयर कैपिटल नॉन मॉनेटरी ट्रेड रिसीवेबल को मॉनेटरी माना है इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर को नॉन मॉनेटरी माना है फिक्स असेट्स को नॉन मॉनेटरी माना है अब ये दोनों ही केस में हम ऐसा मान रहे हैं कि जो शेयर कैपिटल है वो तो नॉन मॉनेटरी है ठीक है फर्दर शेयर कैपिटल जरूरत नहीं पड़ने वाली है हमको उसको वापस से हमको फॉरन से हमने पैसा नहीं लिया है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर एंड फिक्स असेट जो है वो दोनों ही हम ऐसा मानेंगे कि हम इंडिया में किए हैं फॉरन में किए ही नहीं अगर ये फॉरेन में किए होते फॉरेन करेंसी में होते तो डेफिनेटली इसको भी हमको मॉनेटरी आइटम मानना पड़ता है क्योंकि हमको चिंता होती कि फ्यूचर में कोई चेंज तो नहीं होने वाला है इवन फिक्स असेट्स भी अगर हमने लोन से परचेज किया होता तो भी उसको हम मॉनेटरी आइटम मान सकते थे ये बोल के कि वो लोन जो है वो रीपे करेंगे उस टाइम डॉलर का भाव बढ़ गया या कम हो गया तो उसका इफेक्ट भी हम फिक्स एस पे दे सकते हैं एज पर एएस 11 अलाउ करता है ठीक है तो इन दोनों को कंडीशनल आंसर लिखना है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर को और फिक्स एस वाले को क्योंकि फिक्स असेट्स में भी अगर फिक्स असेट्स लोन पे लिया है तो मॉनेटरी आइटम बना जा सकता है लेकिन लोन मॉनेटरी होगा बट लोन का इफेक्ट हम फिक्स असेट्स में भी डाल सकते हैं ठीक है सो यहाँ पर ये एक मॉनेटरी बनाया उन्होंने आंसर में और तीन नॉन मॉनेटरी बनाए हैं और आई थिंक आप भी ऐसा ही कुछ बोलने वाले थे तो आपके आंसर मॉड्यूल के साथ टैली हो गए हैं बट फिर भी याद रखो कि फ्यूचर में फॉरेन करेंसी जरूरत पड़ेगी तो वो मॉनेटरी बोलेगा फ्यूचर में फॉरेन करेंसी जरूरत नहीं है तो वो नॉन मॉनेटरी माना जाएगा ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग करेंगे बी नहीं पार्ट करना इसका बी पार्ट इसका बी पार्ट नहीं करना है बी मैंने मेरे को समझ नहीं आया एक बार रीड करते हैं देखो बी पार्ट क्या है गुड्स परचेज एज ऑन 1/4/2019 फॉर यूएस डॉलर 50,875 ओके एक्सचेंज रेट एज ऑन 1974. Okay. Date of actual payment 7/7/2019. You had got to ascertain loss of recognized for financial year 1899-1920. As per yes level. तो देखो ये तो clear picture है basically. अभी आपने बात किया कि monetary item कौन से होते हैं जिनको further future currency की जरूरत पड़ेगी वो monetary item होते हैं. Clear हो गया? अब monetary item का करना क्या है? तो यहां पर आपको एज ऑन बैलेंस शीट डेट जब हम क्लोज करेंगे उस टाइम जो भी वो मॉनेटरी आइटम जिनको फर्दर फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है उनकी फॉरेन करेंसी की बाद में दोबारा जरूरत पड़ने वाली है ऐसे ट्रांजेक्शन को क्लोजिंग वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है और वट एवर प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो पी एन एल अकाउंट में डाल दीजिए और अगर हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो उसका रिजर्व बना दीजिए ओके एक बार मैं वापस बोल देता हूं दोज मॉनेटरी आइटम विच नीड फर्दर फॉरेन करेंसी लाइक वी हैव टेकन द लोन फ्रॉम फॉरेन देन डेफिनेटली वी नीड टू रिपे इट
If we need to repay, that means we need again dollar. Because if we have to pay in dollar, then we have to definitely think about dollar price. कि डॉलर प्राइस कहीं बढ़ ना जाए क्योंकि पे करना है. तो अब उसके हिसाब से गुड्स जब परचेज किया था तब हमारा डॉलर का भाव था 75 रुपीज. लेकिन जब एक्सचेंज रेट क्लोजिंग डेट को देना है 31 मार्च के देना है तो हमारा भाव 74 का हो गया. मतलब एक रुपए पर डॉलर का प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमने परचेज किया, मतलब पे करना है सामने वाले को. तो $1 इंटू 15,000 यानी कि 15,000 रुपीज का हमको प्रॉफिट हो गया. कौन से दिन? 31 मार्च के दिन. तो पहले जब हमने लिया गुड्स उस टाइम हमने एंट्री पास किया परचेज यानी कि स्टॉक या परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. क्या एंट्री पास किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 15,000 अमाउंट इंटू 75. जब परचेज किया उस दिन 15,000 का 75 का भाव था, $15,000 का परचेज किया तो 11,25,000 हमारी अमाउंट हो गई परचेज की. ठीक है. अब क्रेडिटर्स बोलो या ट्रेड पेबल बोलो, इनको दोनों बोल सकते हैं. ट्रेड पेबल ज्यादा अच्छा रहेगा, ट्रेड पेबल बड़ यूज करो. अब ट्रेड पेबल को हमको बाद में दोबारा पे करना है क्योंकि ऑब्वियस जब हम रीपेमेंट का डेट आएगा उस टाइम उसको भरना पड़ेगा. तो आज तो हमने 1/1/2019 को परचेज कर लिया. अब बीच में डेट आया 31 मार्च क्लोजिंग ईयर 2019. उस दिन जो भी मॉनेटरी आइटम है उनको क्लोजिंग रेट पे लाना कंपलसरी होता है. जो भी मॉनेटरी मॉनेटरी आइटम कौन से होते हैं? जैसे फॉरेन का चेंज दर का वो उसमें जरूरत पड़ने वाला आगे जाके. यस, फर्दर में फ्यूचर में हमको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होने वाली है. तो अब हमको समझ में आ गया कि ट्रेड पेबल में हमको फर्दर फॉरेन करेंसी जरूरत पड़ेगी. जब हमने लोन मतलब जब हमने परचेज किया था 75 रुपीज का, डॉलर का भाव तो अब 74 हो गया, मतलब फायदा हो गया इस बार. तो फायदा हो गया तो क्या करेंगे? 74 रुपीज का एक्सचेंज रेट एक रुपए का फायदा दिखाएंगे. तो कैसे? तो ट्रेड पेबल हमारे कम हो जाएंगे अभी. सो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ट्रेड पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है. ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू, हम मान रहे इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो टू पीएनएल अकाउंट. कितना रुपए का फायदा हो गया? पर डॉलर 15,000 और 15,000 डॉलर है तो 15,000 का फायदा हो गया. ट्रेड पेबल 15,000 से कम हो गए और पीएनएल अकाउंट में 15,000 का फायदा हो गया. ओके, नाउ हम एक्चुअल पेमेंट करने गए. एक्चुअल पेमेंट की डेट क्या है? 7/7/2019. उस दिन जब पे करने जाएंगे तब क्रेडिटर्स पूरे खत्म हो जाएंगे, बराबर कि नहीं? सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट या पेबल अकाउंट डेबिट जो भी लिखो, कितना अमाउंट था? 12,25,000 था, उसमें से 15 कम हो गया तो 12,10,000 बचा, बराबर कि नहीं? 11,10,000 क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर दिया, खत्म कर दिया उनको. टू बैंक, हम बैंक को पे करने गए. बैंक को पे करने जाएंगे तो हमको देना पड़ेगा 15,000 इंटू 73 का भाव है आज जब पे करने गए, तो कितना देना पड़ेगा? 15,000 इंटू 73, 10,95,000. क्योंकि 73 का भाव रहा ना एट द एंड ऑफ द ईयर, 73 का भाव रहा तो हमको कितना देना पड़ा खाली? 10,95,000 देना पड़ा खाली, राइट? समझा ना आपको कि हमको करना क्या है. ये जो आया ये अमाउंट बैंक, हमने एक्चुअल में पे 10,95,000 ही करना है. अब डिफरेंस कहाँ जाएगा? तो वापस हमारा मुनाफा हो गया तो डिफरेंस पीएनएल में चला जाएगा, तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पर इस बार वापस से. तो टू पीएनएल अकाउंट हमने देना था 11,10,000 पर देना पड़ा 10,95,000. सो वापस से 15,000 का फायदा हमारे लिए हो गया क्योंकि मोदी सरकार है, डॉलर का भाव बढ़ नहीं रहा है, गिर रहा है, बराबर? सो अब ऐसे करके हमने क्या करना है, रिकॉर्ड कर दिया. बेसिकली ये पर्पज जो है ना वो क्वेश्चन 1 और 2, ए और बी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए थे,
बट उसने दोनों को अलग अलग दे दिया है। यहां पर क्या, उसने क्लियर एग्जाम्पल के साथ दिया कि हमने किसी से गुड्स परचेज किया फॉरेन से, तो डेफिनेटली हमको उसी करेंसी में पे करना है, ऐसा अजम्पशन मान लेंगे। तो उस करेंसी में पे करने जाएंगे तो उस टाइम 75 का डॉलर का भाव था, अब 74 का क्लोजिंग ईयर में हो गया, तो पहले क्लोजिंग ईयर में हमने अपने क्रेडिटर्स को, अपने ट्रेड पेबल को सुधारना है, और उसको सुधारने के बाद जब हम रियल में पेमेंट करने गए तब और भी कम देना पड़ा। तो हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड तो 11,10,000 का था, बट हमको पे खाली 10,95 करना पड़ा, दैट मीन्स 15,000 अगेन वी हैव द प्रॉफिट एंड लॉस। और हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसलिए इसको पीनल अकाउंट में डाल के छोड़ देंगे। ओके, सो AS11 का कॉन्सेप्ट यही होता है बेसिकली, कि हमको जो भी मॉनेटरी आइटम है, जो ऐसे ट्रांजेक्शन जिनको फर्दर फॉरन करेंसी जरूरत पड़ने वाली है, उनको बैलेंस शीट के क्लोजिंग डेट पे लेके आओ, जो भी उनका रियल प्राइस चल रहा है उस पर लेके आओ, और वट एवर प्रॉफिट एंड लॉस यू शुड ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट और टेक द रिजर्व एज पर योर मेथड विच यू अप्लाई, एंड व्हेन यू एक्चुअली पेमेंट देन वट एवर डिफरेंस एक्चुअली पेमेंट एंड योर क्लोजिंग डेट दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ओके, सो दिस इज AS11, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक बार इनका आंसर और देख लें, ये देखिए इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है ऑन 31 मार्च 2019 को 15,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे, एक्सचेंज लॉस प्रॉफिट डिफरेंट बिटवीन 11,25,000 माइनस 11,10,000 राइट, एंड 77 को जब इनका रियल अकाउंट क्लोज होगा उस टाइम भाव 73 का हो गया, तो अगेन हमारा 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा जो हमारे पीनल में चला जाएगा और ट्रेड पेबल हमारे पूरे खत्म हो जाएंगे। बाकी लिखने का तरीका, हमको तीन स्टेप में आंसर लिखना होता है, आपको याद होगा अच्छे से, वो तीनों स्टेप ही हमको अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई होगी, यहाँ पर कैसे लिखेंगे मैं ओरली बता देता हूँ आपको। एच पर AS11 फॉरेक्स या इफेक्ट ऑन चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट सेइंग दैट, यू कैन राइट ऑल्सो, यू वांट टू राइट, लिख लीजिए। हाँ, इनके सेशन आंसर में लिखा है, बट इनके सेशन आंसर में हमारे मेथड से नहीं लिखा है, क्योंकि हमारा सिस्टम कैसा है, हमेशा फिक्स 3 स्टेप बनाने का है। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ जाए, हमको 3 स्टेप में सम सॉल्व करना होता है। वो कौन कौन सी स्टेप होते हैं, सबसे पहले स्टेप का नाम, AS का नाम, नंबर एंड रूल रिलेटेड टू दैट, जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उससे रूल क्या है, उससे रिलेटेड जो डाउट होगा वो अपन को स्टार्टिंग में लिख देना है, कि AS का नाम, नंबर एंड द आप बोल सकते हो रूल रिलेटेड टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम। फिर स्टेप टू क्या होता है, स्टेप टू में क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, यस एक्सप्लेन द क्वेश्चन, जहां पर हम क्वेश्चन को ही रीराइट कर सकते हैं या थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में ऊपर नीचे लिख सकते हैं, वो हमारी आंसर को बढ़ाने घटाने का एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर बड़ा छोटा करना है तो स्टेप टू में आप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में। देन स्टेप थ्री क्या होता है, यस कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब आपका व्यू, आपने पहले रूल बताया, फिर आपने प्रॉब्लम बताया, क्वेश्चन क्या है, फिर आपको अपना कंक्लूजन देना है, जैसे जज देता है, जज जैसे अपनी बात को सुनता है, ये रूल है, उसके बाद में हमारा क्राइम क्या है उसको सुनता है और उसके अकॉर्डिंग हमको सजा सुना देता है, तो वही हमको यहाँ सुनानी है। तो कंक्लूजन में क्या होता है, इनके आंसर लिखने होते हैं कि क्या हमारा कंक्लूजन है, लेकिन कंक्लूजन में हमको बहुत केयरफुल रहना है। अगर हम 101 तक का क्लियर है कि हाँ ये रॉन्ग है, मतलब कोई केस लॉ आता है जहाँ पे ये गलत है, तो ही उसको गलत बोलना है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर है तो डिप्लोमेटिक आंसर देना है, हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं, ना भी। ओके, सो ऐसे तीन स्टेप में हमको आंसर लिखना होता है। तो वो तीनों स्टेप क्या क्या है, हालांकि ICAI के मटेरियल में भी वो ट्राई करते हैं तीनों स्टेप में आंसर लिखने का, लेकिन कई बार लिखते हैं कई बार नहीं लिखते हैं। हमने हमारा फिक्स सिस्टम बनाना है जिससे कोई भी क्वेश्चन अलग ना लगे। जैसे आपने बोला ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर आप जब लिखते हो तो आपको थोड़े कम मतलब एक्सप्लेनेशन में समझ आए, तो उनका सिस्टम इसलिए ऐसा बन गया कि आपने वो सिस्टम को एज इट इज अप्लाई नहीं किया। तो अप्लाई कैसे करना है, तीन स्टेप में आंसर लिखना है। स्टेप वन दैट इज AS का नाम, नंबर और रूल रिलेटेड टू दैट। स्टेप टू यू हैव टू राइट द क्वेश्चन क्वेश्चन, एंड स्टेप थ्री में कंक्लूजन। कंक्लूजन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दीजिए, अदरवाइज डिप्लोमेटिक लिखिए। डिप्लोमेटिक मतलब होता है हाँ भी बोलना है और ना भी बोलना है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या लिखेंगे, मैं ओरल बोल दूं कि आप लिखना चाहते हो, नहीं आप ओरल बोल दो, ओरल बोल क्या मतलब कर? तो सबसे पहले एक बार एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, बाद में आपसे भी बुलवाने वाला हूं मैं, ठीक है। एच पर AS11 द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट सेइंग दैट एनी मॉनेटरी आइटम
which need further foreign currency should be recorded at closing rate in each accounting year end. And whenever we pay, saying that each accounting year, closing year, we should record it at closing rate, closing foreign exchange rate. And any difference at closing foreign exchange rate and any difference. So whatever closing rate we have to apply means on the date of closing, we have to convert our all monetary item on the balance sheet date. And whatever difference will be transferred to either profit and loss account or we can keep as a reserve. Right? And when the actual date arrives on the actual payment date or actual receiving date, on that date, whatever difference between closing balance sheet date and date of payment will be transferred to again P&L account and will finish it account. Because agar reserve kab rakhna hai, reserve agar wo transaction rahega to reserve ka kaam aayega, transaction hi khatam hoga to reserve bhi nahi rakhna hai. अभी हमने उसका क्रेडिटर्स का लोन का रिपेमेंट कर दिया तो अभी हमारा ट्रेड पेबल खत्म, तो अभी उसका रिजर्व का क्या करेंगे? पीएनएल में डालेंगे ना? तो पीएनएल में डालेंगे। ओके, सो स्टेप वन ये हो गया। स्टेप टू में क्या लिखेंगे? इन द प्रेजेंट क्वेश्चन ही हैड बाय $15,000 गुड्स, ऑन दैट टाइम रेट इज 75, बट एज ऑन 31st March 2019 रेट आर 74 एंड देन ऑन एक्चुअल डेट पेमेंट रेट आर 73, राइट? नाउ स्टेप थ्री में हम जो अभी जनरल एंट्री जो पास किए वो एंट्री पास कर देंगे तो हमारा कंक्लूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि उसने ट्रीटमेंट किया है वो राइट है कि रॉन्ग है, यहाँ तो खाली अपन को आंसर ही देना था. सो इसलिए हम एंट्री पास कर देंगे, कोई कंक्लूजन तो लिखना नहीं है कि इसने ट्रीटमेंट बराबर किया है, इसने रॉन्ग किया, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब नॉर्मली क्या है, वन साइड रहे भर जाए बहुत हो जाता है. वन साइड एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए जो कि 4 to 5 मार्क्स का आता है इनफ है. ओके, बाकी ऐसा नहीं कि हमको जबरदस्ती क्वांटिटी भरनी है, क्वालिटी भरना है. बट क्वालिटी में आप जो स्टेप वन एंड टू एंड थ्री जो है उनके अंदर जो रिलेवेंट डेटा है वो लिखिए. आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो स्टेप टू को थोड़ा बड़ा बना सकते. अब आता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट. यस, इससे पहले हम स्टार्टिंग पे आते हैं. एस 13 वाला, इन्वेस्टमेंट वाला. कौन सा क्वेश्चन नंबर है? एस 13 ही लिखा उसके बाद, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट. अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का ए और बी पार्ट है. ये देखो क्वेश्चन 19 लिखा है, उसका ए और बी. तो पहले ए करेंगे फिर बी करेंगे, ठीक है? बी, हाँ. तो क्वेश्चन 19 का पहले ए करते हैं फिर बी करेंगे. हाँ तो मैं करवाता हूँ ना, मतलब क्या है, अपन अब पूरा खत्म ही कर रहे हैं ना, अभी बचा क्या है, अभी कंक्लूजन करके खत्म कर देते हैं. सो अकाउंटिंग फॉर फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एएस 12, उसके बारे में पहले आपको आइडिया है क्या होता है गवर्नमेंट ग्रांट? डेटा पता, गवर्नमेंट हमको पैसा देती है ताकि हम लोग अच्छा काम कर सके, हम लोग डेवलपमेंट करें और लोगों का अच्छा करें. वेरी, अगर वो टैक्स कुछ देगी तो उसका वैल्यू हम लोग ₹1 दिखाएंगे अपनी. अगर टाइम्स में दिया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सामान दे दिया, कोई चीज दे दी तो घर दे दिया, रहने को तो घर का वैल्यू बन देगी. ओके ओके ओके. और अगर पैसे दिए तो? हाँ सर, अगर पैसे दिए तो पैसे पैसे रिकॉर्ड करेगी ना, तो रिकॉर्ड होगी. तो आपको एक कुछ चार्ट बनवाया था याद है? गवर्नमेंट ग्रांट. वेरी गुड. चार्ट हमने क्या बनाया था, बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट दो टाइप की होती है, एक मॉनेटरी कितने टाइप की होती है, एक होती है मॉनेटरी और एक होती है नॉन मॉनेटरी, बराबर? Yes. बनाया था आपने चार्ट? वेरी गुड, उसी को देखिए खाली आप. अभी मॉनेटरी मतलब क्या हुआ, हार्ड कैश दिया है, मतलब बैंक में पैसा दिया, तो एंट्री हो जाती है नॉर्मली, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट.
अब मोनेट्री दिया तो आगे ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो आगे इसके तीन ट्रीटमेंट हो सकते हैं। क्या क्या तीन ट्रीटमेंट होते हैं बताइए जरा। कैपिटल माना जा सकता है, पीनल माना जा सकता है और यूज फॉर असेट्स कर सकते हैं, असेट्स बाय करने के लिए। अगर कैपिटल मानेंगे तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी? गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, जीजी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अगर हमने पीएल में ट्रांसफर कर दिया तो एंट्री हो जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, काम खत्म। क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट मिली है उसकी एंट्री तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट होगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कैपिटल माना हमने उसको तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर हमने उसको पीएनएल माना तो पीएनएल में चला जाएगा, और अगर हमने यूज फॉर असेट्स किया तो अगेन दो बातें आएंगी, या तो डिडक्ट फ्रॉम असेट्स और उसको डिफर्ड बना दो, डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अगर डिडक्ट फ्रॉम असेट्स करेंगे तो क्या हो जाएगी एंट्री? गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू असेट्स, माने फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में भी पहली प्रायोरिटी लैंड को दो आप, अगर लैंड और बिल्डिंग है तुम्हारे पास तो पहली प्रायोरिटी लैंड को दो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसको दो, उसके बाद में बाकी की फिक्स असेट्स को दो, प्लांट मशीनरी को बाद में यूज करो, बराबर। और अगर उसे डिफर्ड बना दिया तो डिफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को गवर्नमेंट ग्रांट ही रहने देंगे, और जितना जितना गवर्नमेंट ग्रांट हर बार पीएनएल अकाउंट में डालेंगे उतना उतना पीएनएल अकाउंट में डालते जाएंगे टुकड़े टुकड़े कर, बराबर। यानी कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट में हम लोग उसको पीएनएल अकाउंट में डालेंगे। अब वो स्मॉल अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो असेट्स अगर है तो उसका डेप्रिसिएशन जैसे लग रहा है उसी असेट्स डेप्रिसिएशन के बेस पर इसको अपन धीरे धीरे करके राइट ऑफ करेंगे। लेकिन राइट ऑफ मतलब राइट बैक बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट है ये, इनकम है, तो धीरे धीरे करके उसको राइट बैक करेंगे। सो वो गवर्नमेंट ग्रांट टू पीएनएल ही होगा, लेकिन कैसा? लाइक अ डेप्रिसिएशन। एक तरफ असेट्स पे डेडक्शन लगेगा, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ग्रांट को हम पीएल में ले जाते जाएंगे, तो नेट होके उतनी हो जाएगा जैसे कि डिडक्ट फ्रॉम असेट्स हुआ है, बराबर है। सो ये किस यस बोलो बोलो इसके लिए एक रिफंड निकाल उसका एंट्री रिवर्स कर। हाँ अभी रिफंड पे बात आएंगे, पहले एक बार पर इसकी बात तो कर ले। सो ये हो गया हमारा मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रांजेक्शन, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, मॉनेटरी में कोई तकलीफ नहीं है, समझ में आ गया? वेरी गुड। नाउ कैपिटल रिजर्व मतलब होता है जब अपन को बोलेगा कि ये गवर्नमेंट ग्रांट को एज अ कैपिटल मानो आप। जैसे अपन एग्जांपल के लिए कोई बिजनेस चालू करते हैं तो हमने कैपिटल लगाया, वैसे गवर्नमेंट भी हमारे लिए कैपिटल लगा रही है, बोले चलो आप रखो इसको, तो उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा कि हमको ये गवर्नमेंट ने कैपिटल रिजर्व के लिए दिया है। सो इट्स बिकम लाइक अ कैपिटल। यस पीएनएल मतलब रेवेन्यू हो गया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें मतलब वो कैपिटल की तरह माना, कैपिटल की तरह माना, बचा वो डिफॉल्ट इनकम में जाएगा। यस ओके यस वेरी गुड। नाउ ऐसे करके हमने क्या कर दिया, ये गवर्नमेंट ग्रांट का मॉनेटरी आइटम का काम खत्म कर दिया। अभी नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब अपन को पैसा नहीं मिला है बल्कि एसेट्स मिला है, तो नॉन मॉनेटरी भी दो टाइप का हो सकता है। एक होता है जैसे कि हमको गवर्नमेंट असिस्टेंट मिल गया जिसको हम वैल्यू नहीं कर सकते, या टैक्स हॉलिडे मिल गया, हमको बोल दिया कि चलो 5 साल तक टैक्स मत भरना, टैक्स हॉलिडे है तुम्हारे लिए, तो अच्छा काम करने के लिए टैक्स हॉलिडे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ना तो पैसा लेगी ना देगी, तो उसका नो एंट्री होता है, उसका कोई एंट्री नहीं है, खाली फुटनोट में दिखाना होता है कि भैया हमको टैक्स हॉलिडे मिला है 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी रहेगा। हाँ बट यहाँ पर भी नॉन मॉनेटरी में भी टैक्स हॉलीडे आ सकता है। टैक्स हॉलीडे बेसिकली कैसा होता है कि अपन को खाली ऐसा बोल दिया कि 5 साल तक टैक्स नहीं भरना है, तो उसका कोई एंट्री पास नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ना तो पैसा दे रही है ना ले रही है, तो वो खाली फुटनोट में दिखाना होता है। अभी जब इंडेस आप करोगे ना, तो इंडेस के अंदर ऐसा ट्रीटमेंट दिया है उन्होंने, जो इंडेस 20 है गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, उसके अंदर ऐसा ट्रीटमेंट दिया हुआ है कि यहाँ पर गवर्नमेंट असिस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं बोलो, गवर्नमेंट असिस्टेंट,
मैंने आपको कोई गवर्नमेंट की साइड से एक हेल्प कर दिया, असिस्टेंट दे दिया आपको, आपको समझाने के लिए कोई बता दिया, आपने कोई प्लांट ओपन करना है, उस प्लांट के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो गवर्नमेंट के साइड से कोई असिस्टेंट आपको मिल गया कि हम आपको बताते हैं ऐसा करो ये करो, उस केस में हमको पैसा तो नहीं मिला ना, लेकिन उन्होंने हेल्प किया। तो ऐसे केस में इंडेस तो बोलता है उसको बाकायदा दिखाओ, बट एएस जो है उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता है, बोलता है दिखा दो कोई बात नहीं, नो एंट्री, यस ओनली शो इन द फुट नोट। अब अगर कोई प्लांट या असेट्स दे दिया हमको उसने फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी नॉन मॉनेटरी होता है, उसको आपने भी बताया था कि एक रुपए पे रिकॉर्ड करेंगे या नॉमिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमारा रुपीज इन करोड़ में है तो 0.01 पे रिकॉर्ड करेंगे, अगर रुपीज इन करोड़ है या लैक्स में है तो 0.01 पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एंट्री क्या पास करेंगे, हमको असेट्स मिल गया तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और एक रुपया या रुपीज इन करोड़ में है तो 0.01 0.01 ऐसे दिखा देंगे। ओके, सो ये नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी दोनों का सिस्टम आपको बता दिया। अब आता है गवर्नमेंट ग्रांट, अगर कुछ नहीं हो पाया हमारा कंडीशन तो रिफंड करना पड़ता है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट का पैसा आप खा के भाग जाओगे, रिफंड भी करना पड़ सकता है। तो अगर रिफंड हुआ गवर्नमेंट ग्रांट का तो जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएंगी, दैट इज रिवर्सल ऑफ एबव एंट्री, बराबर। सो उसके हिसाब से आप एंट्री पास कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, सो दैट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर सकें। एक बार जरा क्वेश्चन रीड कर दीजिए, क्वेश्चन 19A। हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग द अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद AS 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, 35 लाख रिसीव फ्रॉम लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉय रिसीव्ड इन कैश। ओके, मींस 35 लाख रिसीव फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय। सो मेडिकल फैसिलिटी हम कैसे बे में दे रहे हैं, तो जिस बे में मेडिकल फैसिलिटी देंगे उसी बे में हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। हाल फिलहाल तो ये मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट है जो मिला है, अब उसका ट्रीटमेंट हम क्या करना चाहते हैं, या तो उसको डिफर्ड बना देंगे या उसको इमीडिएटली पिल में चार्ज कर लेंगे, ठीक, क्योंकि ये मॉनेटरी है। अब पीएनएल में इमीडिएटली पूरा डालना है कि कितना है वो एक बार अपन को एनालाइज करके नोट लगा के दिखाना पड़ेगा। आपने एंट्री बराबर बोली, एनालाइज कैसे करोगे आप, अभी पढ़ते हैं, आगे पढ़ो आगे पढ़ो आगे बताते हैं अभी एनालाइज कैसे करेंगे, सेकंड है वो तो अलग है, पढ़ो तो सही एक बार। 100 लाख रिसीव्ड एज सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ यूनिट इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। परफेक्ट, तो अभी ये जो है वो कैसा है, हमने स्पेसिफिक काम के लिए सब्सिडी मिला है, तो अब इसको हम लोग डिफर्ड कंपलसरी करना पड़ेगा। तो ये कैसा है, जब तक वो काम के लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है सेटिंग अप द यूनिट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ द बैकग्राउंड एरिया, तो जब तक वो काम नहीं कर लेंगे, जब तक हम इस गवर्नमेंट ग्रांट को यूज नहीं कर सकते, यूज करना मतलब पीएनएल में डालना, तो जब तक हम पीएनएल में नहीं डाल सकते। अब बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट लगा के ही छोड़ देंगे, बस आगे नहीं करेंगे डिफर्ड, क्योंकि डिफर्ड कब करेंगे, जब वो बैकवर्ड एरिया में अपनी फैक्ट्री लगा देगा, लगाएगा तब, हाँ, इसलिए हाल फिलहाल इसको खाली बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट और ब्रैकेट में लिख देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट सेटिंग अप यूनिट इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, उसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली। ओके, सो ऐसे करके हम लोग इस गवर्नमेंट ग्रांट को खाली दिखा देंगे। और अब आया फर्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट जो 35 लाख का मिला है, उसको हमको क्या करना चाहिए कि हम हाल फिलहाल गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट दिखा देंगे, और दूसरे में एज पर द मेडिकल फैसिलिटी हम एम्प्लॉय को देते जाएंगे उसी रेशियो में उसको डिफर करते जाएंगे, ऐसा मेंशन करना है, क्योंकि यहां पे कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। उससे बोला है कि हाउ यू ट्रीटेड द फॉलोइंग अकाउंटिंग इन अकॉर्डेंस विद AS 12, ऐसा कोई नहीं है कि हमको एंट्री पास करके दिखाना है, हमको तो एक्सप्लेनेशन देना है, तो हमारे तीन स्टेप में हम सम सॉल्व करते जाएंगे, आंसर मिलते जाएंगे। हम लोग दोनों ऐसे दिखाएंगे कि दोनों डिफर्ड इनकम टाइप होगी और दोनों में जैसे जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड होती जाएगी वैसे वैसे पेमेंट मिलता जाएगा। यस,
अब आप मेरे को इसका आंसर बताइए, आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? As per AS 12, accounting to government grants, says saying that grants can be of government be of two types, monetary and non-monetary. However, monetary grants, if further divided into three parts, capital reserve, P&L, and deferred income. ऐसा लिखना है कि that cash government monetary government grant can be used for all these three. हाँ ऐसा भी चलेगा, but can be used for further all three, ऐसा लिख सकते हैं. हाँ जी, can be further used for three business ऐसे क्यों होगा ना? मतलब आपको ये देखना है कि वो गवर्नमेंट ग्रांट का ट्रीटमेंट हम ऐसे कर सकते हैं फर्दर, या तो उसको एज अ कैपिटल मानेंगे तो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, या फिर उसको एज अ इनकम मानेंगे तो पीएनएल में डाल देंगे, या फिर उसको डिफर्ड कर देंगे. यस, थ्री स्टेप टू में क्या लिखोगे? स्टेप टू में इन द प्रेजेंट केस मिस्टर नाम दिए नहीं है, इन द प्रेजेंट केस 35 लाख इज रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी टू द एम्प्लॉईज, व्हेयरएज 100 लाख प्रोवाइडेड दैट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी फॉर सेटिंग अप अ यूनिट इन बैकवर्ड एरिया. देयरफॉर कंक्लूजन में आएंगे, देयरफॉर इन द फर्स्ट केस नंबर 1, देयरफॉर इन द फर्स्ट केस 35 लाख रिसीव्ड फ्रॉम लोकल अथॉरिटी विल बी शोन एज अ डिफर्ड इनकम एंड द मेडिकल फैसिलिटी एज एंड व्हेन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉईज शैल बी डिफर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. Perfect. And in the second case, 100 lakhs received as a subsidy from central government shall also be utilized from time to time and when thus और वी कैन ऑल्सो ट्रांसफर इट इनटू कैपिटल रिजर्व, ऐसा भी आप मेंशन कर सकते हो, बिकॉज ये हमने एक यूनिट को बनाने के लिए बनाया है तो हमारी कैपिटल जैसा हो सकता है, तो इसको हम कैपिटल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं. Can be either transferred into a capital reserve or can be shown as a deferred income also. Yes, but priority हमको capital reserve को देनी है. Priority हमको capital reserve को देनी. Okay, 100 received from central government as subsidy shall be utilized as a capital reserve. However, it can also be utilized as a deferred income. Perfect. Diplomatically. एक्सेलेंट, लेट्स सी द आंसर. इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने भी ये सब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और बाद में ये देखो 100 लाख को उन्होंने कैपिटल में रखने को बोला है और 35 लाख को बोला है डिडक्ट इन द रिपोर्टिंग ऑफ द रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो वो डिडक्ट करने का मतलब है अपन डिफर्ड करेंगे उसको, बराबर. तो ऐसा उन्होंने एक्सप्लेनेशन एक्स में स्टेप 1, 2, 3 के साथ तो नहीं दिया, उन्होंने ओवरऑल दे दिया है. ठीक है, चलो नाउ सेकंड पार्ट, बी पार्ट जो आपको आता है, बताइए इसके बारे में. इसका आंसर 100 लाख आएगा. पहले एक्सप्लेन तो करो क्या है एएस 13 के बारे में, क्या क्वेश्चन बोला है? पहले क्वेश्चन एलेबरेट करो, पहले क्वेश्चन को बताओ उसके बाद में आंसर दो. परफेक्ट, सेम का सेम क्वेश्चन हमारे हमारे बुक में भी दिया हुआ है अगर आपने देखा हो मॉड्यूल के अंदर, राइट. तो 50% को तो हम कॉस्ट और एनआरवी पिक्चर में लेस पे वैल्यू करेंगे और जो लॉन्ग टर्म है उसको हम कॉस्ट पे रखेंगे सब्जेक्ट टू परमानेंट डिक्लाइन. ओके, तो अभी ये टेम्पररी नहीं है, परमानेंट है, तो फिर क्या करेंगे? 100 पे वैल्यू करेंगे कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट व्हिचएवर इज लोअर. यस, माने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी फेयर वैल्यू पे लेके आ जाएंगे. यस, क्योंकि ये परमानेंट डिक्लाइन हुआ है. हां, मार्केट वैल्यू.
बराबर दोनों का हम लोग ऐसे बताए कि वो भी 100 पे आएगा, ये भी 100 पे वैल्यू होगा। बराबर। और नॉर्मली लॉन्ग टर्म का रूल होता है कि कॉस्ट पे रखना चाहिए, बट परमानेंट डिक्लाइन अगर होता है तो कॉस्ट और एनआरवी बच्चा वेरी लेस। क्योंकि नॉन टेम्प अगर नॉन टेम्पररी वर्ड नहीं दिया होता तो वो 300 लाख पे वैल्यू होता। एक्सलेंट, ओके, वेरी नाइस। इसका भी आंसर आपको तीन स्टेप में लिखना है, वो तीनों स्टेप अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। ओके, पहले AS-13 के बारे में एक्सप्लेनेशन देना, फिर इसके बाद में उसका जो क्वेश्चन बताया वो लिखना, और लास्ट में फिर कंक्लूजन लिख देना। चलिए, नाउ AS-16-20 लास्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं वो थ्योरी वाले हैं, उनमें थोड़ा भी 20 वाला और कर लेते हैं, फिर थ्योरी पे आते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, करेंगे। अभी 8:20 को खत्म करके फिर अपन आगे ऊपर जाएंगे वापस, ठीक है? जो बचेंगे उनको सबको देख लेंगे फिर। AS-16 के बारे में, बोरिंग कॉस्ट के बारे में बताइए, क्या पता है? वेरी गुड। देखो, बोरिंग कॉस्ट भी अगेन, जैसे हम लोग कोई कैपिटल लेते हैं तो उसको जो खर्चा करना पड़ता है उसको बोरिंग कॉस्ट बोलते हैं। वो कैसा है? वो बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट है। पहले मैं बोरिंग कॉस्ट बता रहा हूँ क्या होता है। बोरिंग कॉस्ट क्या है कि हमने जो भी बोरो किया है, जो भी हमने लोन लिया, उसमें जो भी कॉस्ट देना पड़ रहा है वो सारा बोरिंग कॉस्ट है। नॉट ओनली इंटरेस्ट बट ऑल्सो अदर कॉस्ट, अगर कुछ इनकर्ड करना पड़ा तो। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, अभी ट्रीटमेंट क्या होता है? तो देखो, ट्रीटमेंट का मतलब है कि बोरिंग कॉस्ट को हमको पीएनएल अकाउंट में ले जाना है या उसको असेट्स में ऐड करना है, ये ट्रीटमेंट होता है। तो बोरिंग कॉस्ट तो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट तो पीएनएल में जाना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि इंटरेस्ट हम अपने पीएनएल अकाउंट बनाए हैं। कितनी बार बनाए हैं अपने पीएनएल अकाउंट बताओ? सब में आप इंटरेस्ट पीएनएल अकाउंट में ले जाते हो ना, तो नॉर्मली इंटरेस्ट को पीएनएल अकाउंट में ही ले जाना चाहिए। लेकिन AS-16 बोलता है कि अगर आपने लोन कोई क्वालिफाइंग असेट्स के लिए लिया है, किसके लिए लिया है? क्वालिफाइंग असेट्स। नाउ व्हाट इज क्वालिफाइंग असेट्स? तो उसका डेफिनेशन मॉड्यूल में जो दिया है वो बोलता है कि एनी असेट्स विच टेक मोर 1 ईयर और मोर, देन इट्स कंसीडर क्वालिफाइंग असेट्स। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है कि एनी असेट्स विच टेक सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी टू यूज, दैट इज 15 डेज और मोर। क्योंकि इंटरेस्ट तो 15 दिन का भी भरना पड़ता है ना, 1 साल का इंटरेस्ट थोड़ी होता है, इंटरेस्ट तो 15 दिन का भी भरना पड़ सकता है। सो एनी लोन पे इंटरेस्ट अगर हमको 15 या उससे ज्यादा भरना पड़ रहा है तो वो सारा क्वालिफाइंग असेट्स माना जाएगा। जैसे कि अपन ने लोन लिया एक फैक्ट्री बनाने के लिए, तो फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन होगा, टाइम लगेगा, हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 15 दिन लगे। तो उस पे लोन लिया है, उसका लोन का इंटरेस्ट हम असेट्स में ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज करेंगे। क्या बोलते हैं? तो अगर ऐसा असेट्स है जिसमें हमने लोन लिया और वो लोन से हम असेट्स बना रहे हैं तो उसको क्वालिफाइंग असेट्स माना जाएगा और उसको असेट्स की कॉस्ट में ऐड करेंगे। लेकिन वही हमने कोई ऐसा असेट्स लिया है, जैसे अभी सपोज अपन को गाड़ी लेना है, तो आपको सबको पता है गाड़ी की एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है। अब एडवांस बुकिंग करवाया तो उस टाइम पैसा भी भरना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो जब पैसा भरा तो वो इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे उस पर, अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसा जो भरा है वो गाड़ी हमने बना रहे हैं, गाड़ी तो वो सामने वाला बना रहे हैं, हमने तो उसको एडवांस दिया है, तो उसको बोरिंग कॉस्ट को क्वालिफाइंग असेट्स नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर असेट्स हम बना रहे होते, हम अपने यहाँ गाड़ी बना रहे होते तो वो क्वालिफाइंग असेट्स हो जाता, लेकिन हमने तो गाड़ी बनाने के लिए किसी को एडवांस दिया है क्योंकि हमको गाड़ी खरीदना है, तो वो क्वालिफाइंग असेट्स नहीं माना जाएगा। तो क्वालिफाइंग असेट्स आप किसको बोलोगे? तो क्वालिफाइंग असेट्स इसको बोलेंगे जो हम खुद बना रहे हैं और उसको सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है रेडी होने के लिए। माने एनी असेट्स विच टेक सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी टू यूज, उसको हम इमीडिएटली यूज नहीं कर सकते हैं तो वो क्वालिफाइंग असेट्स बोला जाएगा। लेकिन अगर वो असेट्स हमारे हाथ में नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के लिए एयर कंडीशन, आपने घर परचेज किया नया और आपने एयर कंडीशन मंगा लिया, अब आपको पता है कि आपके घर का इंटीरियर काम चालू है, तो एयर कंडीशन को तो काम पूरा हो जाएगा जब लगा सकते हैं। तो ऐसे केस में AC आ गया है, रेडी टू यूज है, लेकिन आप लगा नहीं रहे हो क्योंकि आपका इंटीरियर का काम पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में घर का इंटीरियर पे जो खर्चा हो रहा है उसको तो हम कैपिटलाइज कर सकते हैं इंटरेस्ट के कॉस्ट को,
लेकिन एसी परचेज करने के लिए जो खर्चा किया था उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, इंटरेस्ट को एसी की कॉस्ट बढ़ा देंगे, बोलेंगे एक महीने हमने रख के रखी इसलिए हमने एसी की कॉस्ट बढ़ा दी, क्योंकि एसी जो है वो तो रेडी टू यूज थी, उनको मना कहाँ किया उन्होंने, रेडी यूज मना यूज मत करो हमारे लिए, लेकिन इंस्टॉल जब करेंगे जब इंटीरियर का काम पूरा हो जाए। लेकिन सर अभी सपोज की एक फैक्ट्री है, उसमें आप प्लांट एंड मशीनरी आपकी फैक्ट्री है, तो आप उसको मतलब 25% बनाओगे ना, आप भी उसमें कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसमें जब तक तो प्लांट एंड मशीनरी आपने लगाया है लेकिन वो रेडी टू यूज नहीं हुआ क्योंकि अभी तक पूरी फैक्ट्री नहीं बनी है, तो आप उसको क्या बनाओ, कैपिटलाइज करोगे कि क्वालिफाई करोगे? प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट की बात कर रहे हो कि फैक्ट्री बनाने की कॉस्ट बात कर रहे हो? नहीं, आपको अलग अलग बाइफरकेट करना पड़ेगा। फैक्ट्री बनाने की जो कॉस्ट है उसको मैं क्वालिफाइंग एसेट्स बोलूंगा और उस पे इंटरेस्ट को ऐड करूंगा, लेकिन जो प्लांट मशीनरी है अगर वो रेडी टू यूज है उनको तो इंस्टॉल करना है बस, लेकिन अभी फैक्ट्री का सेट रेडी नहीं हुआ, ऊपर से बनाना है वो रेडी नहीं हुआ, तो ऐसे केस में प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट इंटरेस्ट को मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता क्योंकि वो तो रेडी थी, फैक्ट्री रेडी नहीं है मेरी इसलिए उसको मैं नहीं इंस्टॉल कर पा रहा हूं। मतलब क्वालिफाई से मतलब होता है कि क्वालिफाइड अगर है तो ही कैपिटलाइज कर सकते हैं, बेसिकली बोलने का क्वालिफाइड से मतलब होता है अगर असेट्स हमारी क्वालिफाइंग असेट्स है तो ही उसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। यस, इफ इट इज क्वालिफाइंग असेट्स देन ओनली इट कैन बी कैपिटलाइज, अदरवाइज कैपिटलाइज नहीं हो सकता। तो फैक्ट्री इज द क्वालिफाइंग असेट्स बट प्लांट मशीनरी जो कि रेडी बैठे हैं इंस्टॉल करने के लिए बट स्टिल फैक्ट्री रेडी नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, तो उनको क्वालिफाइंग असेट्स नहीं माना जाएगा। अब ऐसे केस में प्लांट मशीनरी रेडी नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर उनको भी अपन को कुछ इंस्ट्रूमेंट को ऐड करना पड़ेगा कुछ ऐसा करना पड़ेगा तो प्लांट एंड मशीनरी को भी क्वालिफाइड बना देते। फैक्ट्री रेडी है तो फैक्ट्री को क्वालिफाइड नहीं बोलेंगे क्योंकि फैक्ट्री तो रेडी है। नॉर्मली ऐसा होता है कि प्लांट मशीनरी रेडी होते हैं फैक्ट्री रेडी नहीं होती, क्योंकि प्लांट मशीनरी में क्या करना पड़ेगा यार, वो तो अपने मंगा लिया जहां से भी मंगाना है और इंस्टॉल ही तो करना है उसमें, और क्या दिमाग लगाना है। तो वो फैक्ट्री का ही पार्ट हो गया ना, वो फैक्ट्री का ही पार्ट हो गया, ऐसे केस में वो फैक्ट्री बन रही है, वो प्लांट मशीनरी नहीं है बेसिकली, वो बायर मायर लगाना सब फैक्ट्री का ही पार्ट है, तो वो फैक्ट्री बन रही है तो वो सारी फैक्ट्री क्वालिफाइंग असेट्स हो जाएगी, उस केस में कोई प्लांट नहीं है, वो फैक्ट्री बेसिकली उन उन जो इंस्ट्रूमेंट आए हैं उसके बेस पे बनेगी, तो वो सारी कॉस्ट हमारी क्वालिफाइंग असेट्स, वहां पे अलग अलग नहीं करेंगे उसको, हम बोलेंगे फैक्ट्री ही बन रही है पूरी। यस, क्वालिफाइंग हो गया मतलब अपन को इंटरेस्ट की जो कॉस्ट आएगी, बोरिंग कॉस्ट जो आएगी उसको कैपिटलाइज करना है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द बोरिंग कॉस्ट। यस, इंटरेस्ट को हम उस असेट्स में ऐड करेंगे अगर क्वालिफाइंग है तो, लेकिन क्वालिफाइंग नहीं है तो ऐड नहीं किया जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब आता है इंटरेस्ट, हम बोरोइंग दो टाइप से कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक बोरोइंग एक जनरल बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग का मतलब क्या होता है? यस, क्योंकि पर्टिकुलर असेट्स लिया है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी उस कॉस्ट में। और जनरल बोरोइंग का मतलब होता है हमने और भी काम के लिए बोरिंग कर लिया, तो उन सब जनरल बोरिंग का एक एवरेज रेट बनाते हैं और उस एवरेज रेट में से जितना क्वालिफाइंग के लिए यूज हुआ है उतना क्वालिफाइंग में लगा देते हैं। बराबर, चलो वही वेटेड एवरेज, बेसिकली जनरल बोरिंग जो है उनको वेटेड एवरेज में कन्वर्ट कर देते हैं कि सपोज एक कुछ 10% से लोन मिल गया, कुछ 15% से मिला, कुछ 20% से मिला, तो सबका एवरेज करके एक रेट बना देते हैं जिसको हम एवरेज रेट बोलेंगे, और उसको हम जो भी क्वालिफाइंग असेट्स के लिए अमाउंट यूज हुआ है उस पे कैलकुलेट करते हैं। ओके ओके, सो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन 20A। मित्तल लिमिटेड थोड़ा लाउड, बोरोड एंड अमा थोड़ा लाउड। मित्तल लिमिटेड बोरोड एन अमाउंट ऑफ 150 करोड़ ऑन 1/4/2019 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर प्लांट एट 10% पर एनम। परफेक्ट, द
plant is expected to complete in 4 years. Since the weighted average cost of capital is 13% per annum, the accountant of India Limited capitalized 19.50 crores for the accounting period ending on 31st March 2020. Due to surplus fined out of 150 crores, an income of 1.50 crores was earned and credited to P&L account. Comment on the above treatment of accountant with reference to relevant accounting standard. Perfect. अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्लियर कि इन्होंने एक स्पेसिफिक बोरिंग किया है, क्या बनाने के लिए, बॉयलर प्लांट बनाने के लिए। कितने का बोरिंग किया, कितने का बोरिंग किया, 150 करोड़ का, 150 करोड़ का। अब क्वेश्चन आया कि जब हमने स्पेसिफिक बोरिंग किया है स्पेशली बॉयलर प्लांट बनाने के लिए, तो बाकी के जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे लिए रिलेवेंट है। यहां पर क्लियर लिखा है कि बीटल लिमिटेड बोरो एन अमाउंट ऑफ 150 करोड़ ऑन 1/4/2019 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर प्लांट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सो अभी हमने जब स्पेसिफिक लोन लिया है तो हम उसी रेट को रखेंगे। हमने इसके अलावा और भी लोन ले रखा होगा, हो सकता है कुछ और काम धंधा करने के लिए लोन ले रखा हो। सो वो सब लोन को हम यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे, क्वालिफाइंग एसेट्स के लिए नहीं मानेंगे उसको। तो अभी यहां पर आपको क्या करना है, 150 करोड़ के ऊपर 10% 1/4/2019 से लेके 31st March 2020 तक लगाना है। कितना होगा 10%? 31, एक साल के लिए ना? Yes, एक साल के लिए 150 करोड़ पे 10%। 1.5 15 करोड़, 10% ना बेटा? So 15 करोड़ we have to capitalize, लेकिन कुछ 150 करोड़ में से हमने पूरा का पूरा तो लगा नहीं दिया, तो डेफिनेटली हमारी टीम होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेजरर टीम, जिसका काम क्या है, पैसे को अनयूज वाले को इन्वेस्ट करना, जिससे पैसा से कुछ रिटर्न भी आता रहे। तो इसने 150 करोड़ पूरे नहीं लगने वाले क्योंकि वो 4 साल में लगेंगे, तो उसने जो बचे हुए पैसे थे उनको कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया और वहां से हमने 1.5 करोड़ का इनकम भी कमा लिया। तो वैसे केस में हमारा 15 करोड़ का खर्चा हुआ, 1.5 करोड़ रिकवर हो गया, तो नेट कॉस्ट कितनी आई, 13.5 करोड़ शुड बी ओनली कैपिटलाइज। अंडरस्टूड? So, ये इसका आंसर है। उसने भाई साहब ने 19.5 करोड़ को कैपिटलाइज कर रखा है, 1.5 करोड़ को पीएनएल में डाल रखा है, वो रॉन्ग किया है उसने, उसको ठीक करना चाहिए, उसको 13.5 करोड़ को कैपिटलाइज करना चाहिए और जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है वो सबको पीएनएल में डाल देना चाहिए। 1.5 करोड़ की जो इनकम हो गई है हमको, जो बिकॉज ऑफ द एडिशनल फंड जो हमारे पास पड़ा रहा 150 करोड़ में से, उसको हमको हमारी कॉस्ट में से कम करना चाहिए, ऐसा हमको रूल लिखना है। Yes, लेकिन उसी से आना चाहिए इनकम, इनकम और कहीं से नहीं आना चाहिए, उसी फंड से आना चाहिए। देखो उसमें क्लियर लिखा है कि आउट ऑफ 150 करोड़ हमने कुछ पैसा सरप्लस फंड पड़ा रहा, उसमें से 1.5 करोड़ की इनकम कमाए। ओके, गॉट इट। बराबर, आंसर कैसे लिखेंगे yes. इसका एस वाई ए 16 यस बोरिंग कॉस्ट एस वाई ए 16 बोरिंग कॉस्ट सेज दैट इनकम अराउंड income can be capitalized in two ways, that is general borrowing and capital borrowing. Then in this case it is specific borrowing, that's why we are capitalizing it only up to the extent of income. आपको ये word जो है ना थोड़ा specific बोलना है, यहाँ पे याद रखो, interest can be capitalized only if assets is qualifying assets, पहले वो नक्की कर दो, आप खाली general borrowing और specific borrowing को मत जाओ। इंटरेस्ट कैन बी कैपिटलाइज ओनली इफ इट इज यूज फॉर क्वालिफाइंग असेट्स। आगे लिखना, क्वालिफाइंग असेट्स मीन्स द असेट्स विच टेक सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी टू यूज। क्वालिफाइंग असेट्स मीन्स द असेट्स विच टेक सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी टू यूज। Oops.
और इफ एनी इनकम अराइज फ्रॉम दैट फंड शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ बोरिंग. If any income arises from such fund, should be invest, should be deduct from the cost of borrowing. Right? And if specific borrowing, we should use that rate. Other than specific borrowing, we can use weighted average rate. It is specific, then use specific rate. Yes. And for other than specific or general borrowing, we can use weighted average rate. Right? Now, in the present question, whatever they had said, usko likh dena hai ki usne 10% ke hisab se specific borrowing liya hai, but bhai sahab ne 13% charge kar diya hai. So this is wrong. Now, conclusion likhna hai. एज पर द एबव एक्सप्लेनेशन बीटल लिमिटेड शुड कैपिटलाइज ओनली 13.5 करोड़ दैट इज 15 करोड़ माइनस 1.5 दैट्स व्हाई व्हाट एवर द अकाउंटेंट हैज गिवन इज रॉन्ग. वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसने ठीक नहीं किया है. ओके एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 मतलब वो कब स्टॉप हो जाएगा. सी से मतलब हम बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना कब बंद कर देंगे. व्हेन वी विल स्टॉप. सॉरी रेडी टू यूज हो जाएगा. एक्सीलेंट, एकदम सही बात, एकदम सही बात है. व्हेन इट्स रेडी टू यूज इमीडिएटली वी कैन स्टॉप. माने जैसे ही वो रेडी टू यूज हो गया है वी शुड स्टॉप द और वी शुड सीज द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट. Okay. Yes. Very good. 10 AS 2. Bas. Okay. Question number kaun sa hai? Question number 15 ka AB. 15 ka AB. Okay. पहले 15 पे आ जाते हैं. 15 क्या बोलता है? Framework for preparation and presentation of the financial statement. With regard the financial statement, name any four. User. क्या है ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर और एलिमेंट्स. हाँ तो अपन को एनी फोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं. नेम एनी ऑफ फोर. सो बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, नहीं आएगा. और आएगा तो मैं तो नहीं करने वाली. ये वाला ऑप्शन भी है हमारे पास. ठीक है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है. इसमें देखो आपके आंसर में दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटर, एम्प्लॉई, लेंडर्स, ये सब हमारे मेन पर्सन होते हैं. क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है. एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट असेट्स लायबिलिटी ये सब, तो ये सब इनके नाम है बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के. वो आप लिख सकते हो यहाँ से और आप थोड़ा याद भी रख सकते हो अगर आपको याद रखना है तो. ठीक है, तो आंसर में जो दिए हुए हैं आप उनको ही देख लीजिए. ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो जो यूज कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉई यूज कर रहे हैं, लेंडर यूज कर रहे हैं, सप्लायर यूज कर रहे हैं, कस्टमर यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट यूज कर रही है, पब्लिक यूज कर रही है, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं. बराबर, तो ऐसे अपन ये सब नाम लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए दिया है. सेकंड, व्हाट आर द इशू विद विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील. किसके साथ डील करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. जो कोई प्रॉब्लम आ जाए, सिस्टमेटिक अकाउंटिंग हो, इनके साथ अकाउंटिंग डील करते हैं. बराबर, so our objective is to give the systematic accounting, that's why they deal with that. Done? Yes sir. Now aata hai yes last two question kaun sa wala AS2 ka
एस टू और एस टेन दो बाकी है। ओके एस टू माने क्वेश्चन 16 का बी और 17 ठीक है, रीड करो जरा। ए लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल वाई फॉर द रॉ मटेरियल एक्स इज रिक्वायर्ड। द कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रॉ मटेरियल एक्स व्हाट यूनिट का प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस, ट्रेड इनवर्ड, रिप्लेस कॉस्ट, केमिकल वाई, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड। परफेक्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिक्स्ड ओवरहेड 4 लाख और नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 25,000 यूनिट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल 1000 यूनिट्स, केमिकल वर्क 2400 यूनिट्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू AS2 व्हेन एनआरवी ऑफ केमिकल वाई इज 600 पर यूनिट। परफेक्ट। तो देखो AS2 सिंपल क्या बोलता है हमको पता है, क्योंकि AS2 बहुत ही इजी AS है, बट बहुत क्वेश्चन इसमें से आते हैं और AS2 करते हैं तो थोड़ा क्वेश्चन का लॉजिक भी आ जाता है, राइट? सो बेसिकली पर्पज क्या है कि हमको वैल्यूएशन करना है इन्वेंट्री का। अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना होता है, तो सारी कॉस्ट लेनी होती है बट फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं लेनी होती है, एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं लेनी होती है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं लेनी होती है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं लेनी होती है। तो पांच कॉस्ट को छोड़ के बाकी का सब ले सकते हैं। ये आपने जब रिवाइज किया होगा तब नहीं देखा इन्वेंटरी का पांच कॉस्ट कौन कौन सा नहीं लिया जाता है, हैव यू रिवाइज और नॉट? रिवाइज में रहता मैंने कुछ लिखा नहीं। सो ऑल कॉस्ट विल बी टेकन एक्सेप्ट फाइव कॉस्ट। नो नो, इन्वेंट्री कॉस्ट एंड आरबी पिक्चर में लेस, वो तो वैल्यू करना ही है, लेकिन हमने बात किया है कि कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट ली जाएगी। तो ऑल कॉस्ट विल बी टेकन एक्सेप्ट फाइव कॉस्ट, दैट इज एबनॉर्मल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अदर एडमिन, अदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट। और कौन सा बोला आपने? स्टोरेज, स्टोरेज कॉस्ट, गोडाउन रेंट। इन पांचों को छोड़ के बाकी के सारी कॉस्ट ली जाती है। यस। एंड इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवरेज लेस। यस। क्योंकि आपने जो अकाउंटेंट के नोट्स हैं हमारे, वो आपने अच्छे से रीड नहीं किया अदरवाइज, क्योंकि ये सब चीजें हमारे नोट्स के अंदर जो 80-20 कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं उसके अंदर बाकायदा लिखी जाती हैं। क्योंकि ये नोट्स बनाने का पर्पज यही है कि एग्जाम वाले दिन हम इस तरीके से रिवाइज कर सके। छोटी से छोटी बात को भी लिखा जाता है, बट अगर हम उसको रीड नहीं करेंगे, उसको ऊपर से निकाल देंगे, तो फिर समझ नहीं आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो वर्ड्स स्पेशली जो फेयर नोट्स में हमने बनाए हैं, वो सारे फेयर नोट्स आपको बराबर से रीड करने हैं, और आई एम श्योर कि वो रीड करने के लिए आपको मैक्सिमम 16-20 आवर्स लगने चाहिए, और मैक्सिमम 24, बस उससे अगर नहीं लगना चाहिए। तो वो आपने अगर वर्ड टू वर्ड रीड, क्योंकि उसके अलावा आप एक्स्ट्रा करने चलोगे तो आपका टाइम चला जाएगा, लेकिन अगर आप खाली उन वर्ड्स टू वर्ड रीड कर रहे हो और माइंड में जो सोच के मैंने आपको जो सिस्टम बताया था कि पहले क्या लिखा है थोड़ा सोचना है, फिर इसके बाद में आंसर रीड करना है, फिर हाथ से एक सम लगाना है, अगर वो सिस्टम आप फॉलो करोगे तो आप बराबर से विद इन टाइम लिमिट रिविजन कर पाओगे, बराबर? सो अब आपने रीड नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि कॉस्ट और एनआरवी बच्चे में लेस पे वैल्यू करना है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन यहां पर नहीं है, बट एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल दोनों का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो पहले फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन करो। फिनिश गुड्स अगर कॉस्ट पे वैल्यू किया गया तो रॉ मटेरियल भी कॉस्ट पे वैल्यू किया जाएगा, रॉ मटेरियल को कभी भी हम एनआरवी वैल्यू नहीं करेंगे अगर फिनिश गुड्स को कॉस्ट पे वैल्यू किया गया तो। लेकिन ऐसा है तो, लेकिन फिनिश गुड्स दिया है तो यहां तो फिनिश गुड्स दिया ही नहीं है। फिर अगर गोल्ड का स्टॉक है तो गोल्ड को हमेशा एनआरवी भी वैल्यू किया जाता है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट होता है, फाइनेंशियल चार्जेस होता है, अगर स्टॉक वाइन का है, दारू का है, वाइन का, तो उसको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं इंटरेस्ट को। तो वो एक्सेप्शन हमने सीखे थे, लेकिन आपने वो घाई में रीड किए हैं, आपने वो एकदम रिलैक्स होकर सिस्टमेटिक वे में अकाउंट को रीड नहीं किया है। चलिए तो अब यहां पर क्या है, केस हमारे पास खाली रॉ मटेरियल का स्टॉक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो रॉ मटेरियल के स्टॉक में सारी कॉस्ट ऐड करनी है, कॉस्ट प्राइस, फ्रेट, इनवर्ड ऐड कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल कॉस्ट, कोई भी एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं ली जाएगी। फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब होता है नया खरीदने का कॉस्ट, तो वो 320 का है।
तो इसका मतलब नया अपन अगर खरीदने जाएंगे तो 320 में मिल जाएगा। फिर केमिकल बाय का आता है मटेरियल कंजम्पशन, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड, ये सारे ऐड कर दो। रॉ मटेरियल एक्स का ना जो भी कॉस्ट दिया है वो सब ऐड कर देना है। और क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया है उसको ऐड कर दो, फ्रेट इनवर्ट दिया है उसको ऐड कर दो, क्योंकि फ्रेट इनवर्ट तो हमारा खर्चा होता है, लेना पड़ेगा। तो 440 का प्राइस हो गया। और जो रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कॉस्ट है वो बेसिकली इनडायरेक्टली कुछ ऐसा कॉस्ट आप बोल सकते हो, एनआरबी भी बोल सकते हैं इसको, रिप्लेसमेंट कॉस्ट को एनआरबी भी बोल सकते हैं। हाँ एनआरबी भी बोल सकते हैं, अगर एनआरबी अलग से नहीं दिया है तो। बराबर, अभी आगे जाएंगे, अभी रुकेंगे नहीं, अभी रुको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फिर केमिकल बाय का क्या दिया है, सारा ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, सिक्स फोर्टी बराबर। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन टोटल फिक्स्ड ओवरहेड फॉर द ईयर वॉज 4 लाख ऑन नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 25,000 यूनिट्स। किसकी यूनिट, 16 पर यूनिट यानी, तो किसकी यूनिट है, दोनों की यूनिट है ऐसा मानो। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 यस कितना होता है, 16। तो 16 रुपीज इनमें और ऐड करना पड़ेगा, प्लस 16 प्लस 16, हम ऐसा मानेंगे दोनों में ही लगता है, फिक्स्ड है इसके लिए दोनों में लगेगा। ठीक है, नाउ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रॉ मटेरियल वॉज 1000 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2400 यूनिट्स ऑफ वाई। तो अब हमको ये जो यूनिट आएगी वो प्राइस को नक्की करके फिर हमको कॉस्ट और एनआरवी बचे हुए लेस से इन यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करना है टू गेट द फुल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अभी करेंगे, पहले रुक तो जाओ, आपको समझा, ये नंबर ऑफ यूनिट जो है इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, जो भी हमारी प्राइस नक्की हो जाएगी बाद में, मल्टीप्लाई विद 1000 एंड मल्टीप्लाई विद 2400। हाँ पहले पर यूनिट नक्की कर लेते हैं, राइट। अब इसमें क्या दिया है कि व्हेन नेट रियल वैल्यू ऑफ द केमिकल बाय 600 दिया है, तो 640 और 16 टोटल लगाएं तो कितना होता है बाय का, 656 और 600 विच एवर इज लेस, तो 600 वैल्यू करेंगे yes. और केमिकल एक्स को किस पे वैल्यू करेंगे, केमिकल एक्स को 456 और 320, तो 320 पे। परफेक्ट, तो ये 320 और ये 600, बस हो गया आंसर। और क्या है, हाँ बट सिस्टमेटिक वे में लिखना पड़ेगा आपको, स्टेप 1 2 3 में बराबर वे में, स्टेप 1 में लिखेंगे, हाँ मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ यूनिट करेंगे वो ऑब्वियस बात है, बट वो अपन ने अभी ये कैलकुलेशन कर लिया, अभी आपको लिखना कैसे है, तो उसमें लिखते टाइम पर हमको ये मल्टीप्लाई भी करना है। ओके पहले AS2 के बारे में रूल लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा बोल के बताओ, एज पर AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज if raw material if finished goods is valued at cost then raw material is also valued at cost वो तो एक्सेप्शन है, वो तो एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन मत बोलो, पहले पहले बेसिक तो बोलो। गुड्स शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर। वेरी गुड, कॉस्ट में कौन-कौन सी कॉस्ट नहीं ली जाएगी, हाउएवर कॉस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग गोडाउन रेंट एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल एबनॉर्मल कॉस्ट यस। सर आपकी फोन की बैटरी लो गई, यस चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पांच कॉस्ट नहीं नहीं ली जाएगी, हाउएवर एक्सेप्शन दे दिया। फिर इन द प्रेजेंट केस इन लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल वाई एंड रॉ मटेरियल एक्स, बराबर क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर देंगे और लास्ट में हम ये आंसर लिख देंगे, बराबर। आंसर में हमने कॉस्ट एनआरवी बचे हुए लेस करके लिखा और फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देना है 1000 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 2400 यूनिट्स ऑफ वाई।
ओके परफेक्ट. नाउ एनीथिंग एल्स? यस, 10 और बचा है. यस, देखो ये बहुत सिंपल वाला यस है, ऐसा नहीं है लेकिन वैसे बहुत बड़ा भी है. क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? यस 10. ये बोलता है असेट्स की कॉस्ट कितनी माननी है. तो प्रॉपर्टी प्लांट असेट्स बोलता है जितनी असेट्स की कॉस्ट रेडी टू यूज होने में होती है वो सारी लेनी है. यस, रेडी टू यूज होने में. वैसा ही ये 16 बोलता है कि कॉस्ट जो है वो क्वालिफाइंग असेट्स के लिए अपन ऐड कर सकते हैं जब तक वो रेडी टू यूज हो जाता है. तो एस 10 भी ऐसा बोलता है कि रेडी टू यूज हो गया जब तक की कॉस्ट लेनी है आपको. अब कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट नहीं लेनी है, तो जैसा हमने इन्वेंटरी में सीखा वैसा यहां पे भी हो सकता है कि एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं लेनी है. लेकिन वहां फॉरेस्ट एंड प्लांट वेस्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट वुड बी द लाइफ स्टॉक. हाँ, अब इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर टैंजिबल इनटैंजिबल दोनों असेट्स हो सकता है. उसने किस टाइप से क्वेश्चन दिया है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, रीड करो जरा क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है हमारा. ओमेगा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद द सप्लायर टू परचेज मशीनरी व्हिच इज टू बी इंस्टॉल्ड इन इट्स वन डिपार्टमेंट इन 3 मंथ्स टाइम. स्पेशल फाउंडेशन फॉर इक्विपमेंट फॉर मशीनरी व्हिच वांट टू बी प्रिपेयर्ड विद इन द सप्लाई लीड टाइम. द कॉस्ट ऑफ द साइट प्रिपरेशन एंड लेइंग फाउंडेशंस वर 1,40,000. दीस एक्टिविटीज वर सुपरवाइज्ड बाय अ टेक्नीशियन अंडर द एंटायर पीरियड हु इज एम्प्लॉयड फॉर दिस पर्पस एट 45,000 पर मंथ. The machine was purchased for 1,58,000 crore 58 lakhs and 50,000 transportation charges incurred to bring the machine to the factory site. An architect was appointed and paid 30,000 to supervise machinery installation at a factory site. He required to ascertain the amount at which the machinery should be capitalized. Perfect. तो बताइए कौन कौन सी कॉस्ट लेनी चाहिए टिल असेट्स रेडी टू यूज. सारी कॉस्ट ली जाएगी, बताओ कौन कौन सी कॉस्ट लेंगे. ओके, 1,58,00,000 ले लेंगे सबसे पहले. वेरी नाइस. यस, कौन कौन सी बताओ जल्दी. आपके पास 4-5 कॉस्ट दिया है ओवरऑल मिला के उसने. ली जाएगी. तो आपको सारी कॉस्ट लगे तो सारी ले लेते हैं. उसमें क्या है, लगाओ सारे का टोटल कितना आता है बताओ जरा मेरे को. सारी कॉस्ट ही ले लेते हैं जैसा आप बता रहे हो. कितना आ गया टोटल, 45,000 पर मंथ है, 3 महीने का लेंगे. कितने महीने का? 3 महीने का. वेरी गुड, क्योंकि 3 महीने का टाइम लग गया. 1,61,55 वाह, एक्सीलेंट. 1,61,55,000. हाँ, वेरी नाइस. एंड पहले वाले का भी हमारा जो आंसर आया था इन्वेंट्री का वो बराबर आया है. 320 एंड 600 पर यूनिट मल्टीप्लाई विथ यूनिट एनआरवी. एनआरवी हमारी कम है इसके लिए, बराबर. सो एक्सीलेंट बेटा. बट ये बात पक्का है कि ये आरटीपी जो है वो इंटीमेट कर रही है कि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिवीजन अच्छे से नहीं किया है. अदरवाइज ये पूरी आरटीपी आपके लिए हलवा थी, क्योंकि जो सिस्टम बनाया है हमने, जो स्टार्टिंग में सिस्टम बनाया है वो ऐसा बनाया है कि अब लाइफ में कभी भी आप रिवाइज करना चाहो, खाली इन फेयर नोट्स को रीड करना है और विथ इन 24 आवर्स यू बिकम मास्टर इन अकाउंट्स. हाँ, और वो भी इस लेवल का कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हो, बराबर. लेकिन अगर वो नोट्स रीड करने में, या क्योंकि क्या है, मैं जानता हूँ काफी बार अपन लोग एक क्वेश्चन एक चैप्टर करने लग जाते हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा सोच लेते हैं. लेकिन वो सब क्वेश्चन हमको अभी नहीं करने हैं, क्योंकि अब रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करते टाइम पर आपका मेन फोकस होना चाहिए फेयर नोट्स. उनको पहले मन में सोचना है, फिर रीड करना है, उसके बाद में एक सम सॉल्व करना है. अच्छा सा सम, लास्ट वाला सम करो, हाथ से लगाओ प्रॉपर. तो ऐसा कर करके क्या है, अगर बीच में कुछ क्वेश्चन में नोट है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, वो भी नोट्स का ही पार्ट है. अगर आपने किसी क्वेश्चन में कुछ नोट लिखा है ऐसा है ऐसा है, अदरवाइज आगे बढ़ते जाओ, तब जाके आपका पूरा काम विथ इन टाइम लिमिट कंप्लीट होगा, बराबर. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लोगों को थ्योरी लगती है,
क्योंकि उन लोगों ने कभी सीखा ही नहीं है कि ऐसे 3 स्टेप में आंसर लिखे जा सकते हैं। मेन क्रंचेज ये हैं, आपको जितना एक एक दो दो पेज लिखवाया ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैंने, बस उसको आपने अच्छे से कर लिया तो आपके अकाउंटिंग के सारे रूल खत्म हो गए। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, अकाउंटिंग करने के रूल हैं, अकाउंटिंग करने का सिस्टम है, तो डेफिनेटली आपको वो सीखना पड़ेगा। और एक बार आपने वो रूल सिस्टम सीख लिया, वो आप अगर वैसे पढ़ने जाओगे मॉड्यूल वगैरह में, तो दो दो पेज नहीं बल्कि 10-10 पेज दिए एक एक अकाउंट स्टैंडर्ड के, और हमने वो एक एक पेज 1.5 पेज में कवर कर लिया है। तो उनको आपको बहुत थोरली बहुत समझ के करना है। और आंसर लिखने का तरीका आपको पता ही है, 3 स्टेप में आंसर लिखना है, और वो तीनों स्टेप आपने जचा दी तो एग्जाम में भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ से आंसर लिखूं। जैसे भी AS प्रॉपर्टी वाला था, AS 10 जो था, आपको डायरेक्टली लिखना है एज पर AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेंट मशीनरी और एसेट्स शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट रेडी टू यूज टिल इट्स गेट रेडी टू यूज। सो सारी कॉस्ट आपको ऐड करनी चाहिए टिल गेट्स रेडी टू यूज। उसके बाद में स्टेप 2 में क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे दो, स्टेप 3 में अमाउंट दिखा दो जो आपने बोला, सारी कॉस्ट ऐड कर देना चाहिए क्योंकि सारी कॉस्ट हो भी रही है रिलेवेंट। लेकिन कोई ऐसी कॉस्ट हो जाए जो कि उस मटेरियल से रिलेटेड, उस मशीन से रिलेटेड नहीं है, उसको नहीं लेंगे। सो ऐसे आप आराम से कर सकते हो। अकाउंटेंट से डरना नहीं है, अकाउंटेंट से लड़ना है और उसको समझना है कि उसका पॉइंट क्या है। इसलिए तो जब अकाउंट से मैंने स्टार्टिंग कराया था, आपको खूब अच्छे से एग्जाम्पल दिए थे, खूब अच्छे से बताया था कि अकाउंटेंट ड्राइव क्यों हुए हैं, अकाउंटेंट का पर्पज क्या है। क्योंकि अब जब CFL में आ जाओगे तो आपको इंडिया से आ जाएंगे, उस टाइम भी यही रूल है, बस इन रूल को थोड़ा अपग्रेड कर दिया है। तो अब वो आप अच्छे से सीख के रखोगे तो ही आपको आगे आएगा। और सब चीज लिखी हुई है हमने, वर्ड टू वर्ड लिखी हुई है बराबर। इसके लिए डोंट वरी एट ऑल, आप अच्छे से इसको करो, वो ही हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ओके ओके बेटा, तो ये आरटीपी को अच्छे से लगा लिया है मैं ऐसा मान रहा हूँ, और ये आरटीपी का आपको फायदा तभी होगा जब आप इसको पहले लगा चुके हो, अदरवाइज इसका फायदा नहीं होगा। ओके एंड प्लीज डू अकाउंटेंट इन द प्रॉपर वे। अकाउंटेंट भी आपके प्रैक्टिकली होते हैं, जैसा आपके सामने एग्जाम्पल मैंने लिया, अगर बच्चा उनको रीड बराबर नहीं करेगा, इसलिए मैंने बोला ना, नोट्स बनाते टाइम पर, स्टार्टिंग करते टाइम पर हमको बराबर नोट्स बनाने हैं, और आई होप आपने बना लिए हैं। इस तरीके से आपको ये मैंने पूरा आरटीपी विद इन 2.5 आवर्स, और बल्कि 2 आवर्स में ही हो गया है, आपको पूरा करवा दिया है। ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, बाय बाय।